लेट मी स्टार्ट विद शॉर्ट स्क्वीज। तो शॉर्टिंग का तो आइडिया आपको पता है ना कि किस तरह से लोग उधार लेके शेयर पहले बेच देते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाद में उसकी कीमत गिर जाएगी। जब उसकी कीमत गिरेगी तो उस पर वो सस्ते दामों उठा लेंगे। तो इस दौरान चूंकि उन्होंने महंगे दामों पहले बेच दिया था जब उसकी मार्केट प्राइस हाई थी और बाद में सस्ते दामों खरीद लिया जब कीमत कम हो गई, तो इस प्रोसेस को शॉर्टिंग कहते हैं। विच मेक सेंस? इसको शॉर्टिंग, इसका एक और नाम भी शायद फ्यूचर भी इसको कहते हैं, फ्यूचर नहीं, नॉट नेसेसरली। डिफरेंट चीज, फ्यूचर ऑप्शन जो है। हाँ, फ्यूचर्स ऑप्शन जो है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो मैं अभी आज उसकी बात करता हूँ। तो शॉर्टिंग में जब आप किसी से उधार लेके कर रहे हैं तो आप दो चीजें मेरे ख्याल में इस सारे प्रोसेस के अंदर गलत हैं। एक तो ये चीज गलत है कि आप किसी की मिजरी से फायदा उठाना चाह रहे हैं कि उनकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी। यानी अगर तो उनकी कीमत बढ़ रही है और आपने उसमें फायदा उठाया है तो वो तो नॉर्मल बिजनेस सेंस में आता है। लेकिन मार्केट में कीमत कम होने का चांस है आपको, तो आप बेसिकली आपने जब उसकी डिमांड बढ़ाई शुरू में तो बेसिकली योर वर्किंग अगेंस्ट द मार्केट। कभी कभार उसमें लोग पैसा बनाते भी हैं कि जैसे लुकन कॉफी, पिछले पिछले हफ्ते की बात है, लुक एंड कॉफी $6 तक बिक रही थी। अच्छा, उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे थे तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि लुक एंड कॉफी जो है वो बैंक्रप्ट हो सकती है। तो वो बैंक्रप्सी की बजाय उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना बोर्ड वगैरह चेंज किया और काफी सारी चेंजेस लेके आए, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। लेकिन उसका स्टॉक जो था, लेट मी एक्चुअली ब्रिंग अप द ओ हाँ, ये एक और चीज दिखा रहा था आपको, लेकिन इसको अभी थोड़ी देर में करेंगे। अच्छा, लुकन कॉफी मैंने शायद आपको पहले भी जिक्र किया था। दिस इज लाइक स्टारबक्स ऑफ चाइना। तो अच्छा, इनका डेटा ही नहीं आ रहा। हाँ, आज ये सस्पेंड हो गई है ये कंपनी ना, तो इसका डेटा तो आना चाहिए। वो देखें, लुकन कॉफी आई कैन नॉट इवन सर्च फॉर इट एनी मोर। फ्राइडे तक ये चल रही थी। अच्छा, एक और काम करते हैं। इसके अंदर एक फीचर होता है ऑन डिमांड का, लेकिन ये ऑन डिमांड जो है ये पेड वर्जन के साथ होता है, मतलब जिसमें आप एक्चुअल रियल मनी के साथ कर रहे होते हैं। तो जब आप ऑन डिमांड को क्लिक करते हैं तो आप किसी भी दिन के, यहाँ पे ऊपर आपको ये डेट नजर आती है, राइट? इस डेट के जरिए आप किसी भी दिन पीछे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे इसको चार्ट को क्लिक किया एंड लेट्स से आई वांट टू गो बैक टू जून 19, नहीं ये जून 19 को करते हैं। अच्छा, तो डीलिस्टेड जो है उसको उसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है। चेक ऑन याहू फाइनेंसेस, भाई पेपर मनी के ऊपर आ रहा है एलके। क्या चीज आ रही है ऑन डिमांड? ये जी एलके आ रहा है भाई, स्टॉक आई अच्छा थिंक उसके ऊपर ही जी। अच्छा ओके, दैट्स गुड। तो उसमें यू वांट शेयर योर स्क्रीन? शो भाई, आप अपने शेयर स्क्रीन चेक करें तो उसको देख लो। भाई मैं शेयर नहीं कर सकता। अच्छा आप कर डू इट सकते हैं। नाउ।
please let me know when you can see it. It's opening up. Yeah. तो ये देख रहे हैं आप कैसे ड्रॉप हुई है. अच्छा, इसी को आप अगर थोड़ा बढ़ाएं इस टाइम पीरियड को, instead of 3 day 3 minute, increase it to 20 days. Okay. और इसको बढ़ाएं, go back to 6 months, 180 days. 180 days. Okay. ये देख रहे हैं आप ये जो ड्रॉप है, मेजर ड्रॉप. जी भाई. ठीक है, इसके ऊपर माउस ओवर करें. मेजर ड्रॉप से पहले, हाँ ये. This was April 1st, right? April 2nd को, फिर उसके बाद आगे चलिए थोड़ा सा. After the drop. हाँ, ये April 3rd वगैरह आ गई, right? तो इसकी value April 3rd को, it was $7 and some change. और पीछे जाएं उससे पहले, drop से पहले. उस वक्त इसकी वैल्यू चल रही थी $26. ठीक है, अब जी $7 पे आ गई है. अब इसको थोड़ा सा आगे जाते जाए, जो लोएस्ट डिप जो है यहाँ पे, पहली वाली डिप, हाँ ये पीछे भी जो ये डिप यहाँ पे, ये $1.37 का हो गया. यू कैन सी दैट, राइट? $1.37. अच्छा, दैट वाज द ओपन प्राइस दैट डे. अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों ने लुकन कॉफी पीछे जो था उसको शॉर्ट किया हुआ हो $26 पे. तो जब ये प्राइस नीचे ड्रॉप हो गई तो नाउ दे कैन बाय इट, राइट? तो लेट्स से अगर 1,000 शेयर शॉर्ट करें तो $26 के हिसाब से तो आपने $2,600 उस वक्त बना लिए थे, उस वक्त आपने रिसीव किया by selling this. अब यहाँ पे आके आपने खरीद लिए तो आपको 1,000 शेयर जो है, नहीं वो 26,000 1,000 शेयर बनेंगे ना, सो $26 के हिसाब से 26,000, राइट? तो अब नीचे आके, हाँ, जब ये $37 पे आया तो $37 पे आपके 1,000 शेयर जो है $1,300 के बनेंगे. तो आप सोचिए कि 26,000 के बेचे और 1,300 के खरीद लिए, तो कुछ ही दिनों के अंदर यू कुड हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट. लेकिन अगर एट दिस पॉइंट अगर किसी ने शॉर्टिंग करी है, ठीक है, कि इसकी प्राइस अभी और नीचे जानी चाहिए, तो उनको क्या होता है कि अब उनकी कीमत, अब आगे की तरफ चले, मूव करें इसको जरा. तो जैसे जैसे आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो कीमत बढ़ती नहीं, इससे थोड़ा पहले, बंप से पहले यहाँ पे कि कीमत जो है अब इसकी 222 तक पहुंच गई है. तो अगर किसी ने 137 पे शॉर्ट करें और अब उसकी कीमत 222 चल रही है, तो शॉर्ट करने वालों की हालत खराब होती है इस वक्त, एट दिस पॉइंट. तो अब क्या होगा कि उनको बैंक्स जो है, जिससे इन्होंने उधार लिया होता है, तो उधार कैसे लेते हैं, तो जैसे आप TD Ameritrade के अंदर, आई एम श्योर कुछ लोगों ने ऑलरेडी मिस्टेक ये करी है कि बेच दिए और वो नेगेटिव बैलेंस दिखा रहा होगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग के हुआ क्या है. तो वो TD Ameritrade वाले जो है, या अगर कोई और प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर, वो लोग कॉल्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई या तो आप कैश रखें अकाउंट के अंदर इतना कि जो इस ट्रेड को कवर कर सके, कि अगर मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो इन दैट केस TD Ameritrade वाले जो वो जाके मार्केट से खरीद लेंगे और मार्केट से जो भी रेट पे मिलेंगे उन्हें तो दे विल बाय. तो उससे क्या होता है कि अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए जो शॉर्ट करके बैठे होते हैं वो खरीदना शुरू कर देते हैं मार्केट के अंदर से. तो अब ये बंप जो आ रहा है, दैट बंप इज व्हाट्स कॉल्ड अ शॉर्ट स्क्वीज. तो शॉर्ट स्क्वीज के अंदर एक तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसकी कीमत अब ऊपर की तरफ जा रही है. देखें, अब ये यहाँ पे 562 तक पहुंच गई है,
उस दिन का हाई जो था 679 था, $2 से ऊपर 6-7 डॉलर तक पहुंच गई उसकी कीमत। तो मार्केट में वैसे उसको खरीदना चाह रहे हैं जो शॉर्ट करके बैठे थे, उन्होंने भी अपने लॉसेस पूरे करने हैं तो उनको भी खरीदना पड़ता है, तो एक आर्टिफिशियल डिमांड बन जाती है। तो उस आर्टिफिशियल डिमांड को शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं कि जो शॉर्ट करके बैठे होते हैं अब उनकी मजबूरी है कि उन्हें खरीदने मार्केट से, विच पुशेस द वैल्यू हायर, बट दैट हायर वैल्यू इज टेम्परेरी और वो हायर वैल्यू इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द स्टॉक। वो सिर्फ लोगों को अब मजबूरी में चूंकि खरीदने पड़े तो उसकी वजह से उसका डिमांड का वॉल्यूम बढ़ा। नीचे से देखें वॉल्यूम के टैब्स को, राइट, इसके अंदर ग्रीन वॉल्यूम जो है ये डिमांड का है और फिर रेड जो है वो बेचने का है। तो ये जो रेड बेचने वाला है ये वो लोग हैं जो जो ऑलरेडी महंगे दामों खरीदा हुआ था, उन्होंने अब वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा चलो पूरे पैसे तो नहीं मिलने, तो जितने पे बिक जाए वो बेहतर है। तो दैट्स हाउ शॉर्टिंग वर्क्स। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है चूंकि उधार लेके कर रहे हैं तो कोई भी आपको उधार फ्री में तो नहीं देगा, तो जब आपको फ्री में उधार नहीं मिलेगा तो वो बेसिकली आपको क्रेडिट दे रहे हैं। जब आपको कोई क्रेडिट देता है तो उसके ऊपर सूद भी चार्ज करते हैं, तो उसको मार्जिन अकाउंट कहते हैं। तो यू हैव टू हैव अ मार्जिन अकाउंट जिसके अगेंस्ट आपको उधार मिलता है। तो यू पे अ लॉट ऑफ फीस, यू पे you also pay interest on it. तो जो लोग शॉर्टिंग करते हैं उनके लिए उसकी एक्सपेक्टेशन जो होती है कि वो इतना पैसा बना लेंगे शॉर्टिंग के अंदर कि उस फीस और सूद के की वजह से उनको कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है शॉर्टिंग का वो ये है कि नॉर्मल ट्रेड के अंदर आपने अगर कोई स्टॉक जो है $1.30 का खरीदा है तो आपका मैक्सिमम लॉस $1.37 ही हो सकता है, और वो कब होगा कि अगर उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल जीरो हो जाए, या लुक एंड कॉफी के केस में कंपनी डीलिस्ट हो जाए। अब डीलिस्ट जब हो गई कंपनी तो अब यू कैन नॉट बाय और सेल, तो उसके बाद क्या होता है कि कि आपका लॉस जो था ज्यादा से ज्यादा वो $1.37 का था। तो यू कैन लूज 100% ऑफ योर वैल्यू इन एनी स्टॉक अगर उस स्टॉक की कीमत जो है वो बिल्कुल जीरो पे चली जाए, ठीक है, दैट इज योर मैक्सिमम लॉस। शॉर्टिंग के केस में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि आपने $2.22 का खरीदा और अब उसकी कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई है, ठीक है। इस कंपनी के केस में तो चलो लीगल इश्यूज थे ना, तो लेट्स से कोई लीगल इश्यूज नहीं है, कोई एफडीए ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ड्रग कंपनी को नोटिस जारी किया, उसकी कीमत नीचे चली गई और उन्होंने फिर उस केस को फाइट किया और अल्टीमेटली वो द कंपनी वन द केस। तो अब क्या होगा, उसकी कीमत फिर वापस ऊपर जाना शुरू हो सकती है। आपने 222 पे बेच दिया था, अब उसकी कीमत जो है 4 पे पहुंच गई, जब 444 पे पहुंचेगी तो आपका लॉस जो है 200% हो चुका है, राइट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नुकसान जो है 200% हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि आपने $2.22 का खरीदा था, अब उसकी कीमत 444 हो गई है। लेकिन अब इस चीज की क्या लिमिट होगी कि ऊपर की तरफ कितनी प्राइस जा सकती है किसी स्टॉक की? भाई कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, राइट। वो 222 से उठ के $8, $10, $20, $40, $50 तक भी जा सकती है। तो एवरी सिंगल इंक्रीज इन दैट इज इंक्रीजिंग योर लॉस शॉर्टिंग के, क्योंकि आपने सस्ता बेच दिया था, अब कीमत उसकी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो
So that's how shorting can potentially result in an unlimited loss. तो कभी भी स्टॉक को बेचना नहीं चाहिए जब तक आपके पास वो स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो बेचने के लिए. तो हमेशा बाय फर्स्ट एंड देन सेल. तो दैट्स अबाउट शॉर्टिंग. लेट मी गो बैक टू वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बट बिफोर वी गो देयर लेट्स लुक एट द मार्केट्स. शुड आई स्टॉप शेयरिंग? या यू कैन स्टॉप शेयरिंग प्लीज. थैंक यू. ओके तो अब ये जरा गौर से सुनिएगा. नेक्स्ट मीटिंग्स में आई मे कॉल ऑन यू टू रीड दिस रिव्यू. तो इन प्री मार्केट ट्रेडिंग S&P, NASDAQ और Dow तीनों मिक्स्ड हैं. NASDAQ थोड़ी सी डाउन है 20 पॉइंट्स. Dow is less than 0.5% up. ठीक है. S&P भी थोड़ी सी मामूली सी अप है. इंटरनेशनल मार्केट्स वर आल्सो मिक्स्ड. जापान 2.3% डाउन, 0.97% डाउन, और फिर इंग्लैंड जर्मनी जो है कुछ पॉजिटिव है बट नॉट अ होल लॉट. लेकिन आप देख रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जैसे मूव कर रहे हैं तो लॉसेस कम हो रहे हैं और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं. Light crude is doing $38.82. Dollars against Canadian dollar, British pound, and Japanese yen are up. Euro is down. Top gainers, Cody Inc., Boeing. Boeing 178 tak pahunch gaya. Gap, Allstate. And these are the losing stocks. Twitter, Kimco, Prologis, Baker, Hedges, and ACM. Okay. So we'll see ke aaj stocks ke sath kya situation banti hai. So from the looks of it, it is most probably going to be mixed. Kyunki futures jo hain wo bhi mixed hain aur world markets jo thi wo bhi mixed thi. तो हो सकता है अप एंड डाउन जो है वो अच्छा खासी मूवमेंट हो. ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट मे, अगर पॉजिटिव भी होगी या नेगेटिव होगी तो आई डोंट एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी अ ह्यूज चेंज ईदर वे. शायद 100-200 पॉइंट नीचे, 100-200 पॉइंट ऊंची, इस तरह से ही होने की चांसेस ज्यादा लग रहे हैं. बट वी विल सी हाउ इट गोज रेस्ट ऑफ द डे. ओके, वॉन्ट टू टॉक अबाउट the genesis of stock markets. stock markets ka concept jo tha ye koi bahut purana concept nahi hai. It's relatively new. Jo sabse pehla stock market ka crash expect samjha jata hai, it has to do with the Netherlands. Let me actually bring that up. तो ये डच मार्केट थी, टूलिप मेनिया के नाम से ही मशहूर है. तो दिस इज अराउंड 1637, February 1637. तो क्या हुआ कि डच इलाकों में जो अमीर लोग थे उनमें एक अजीब सा एक ट्रेंड शुरू हुआ कि उन्हें अपने घरों के सामने जो है ट्यूलिप्स के फूल लगाने का शौक हुआ. अच्छा, तो उसकी वजह से ट्यूलिप की कीमतें जो थी, ट्यूलिप के फूल जो होते हैं वो आपने आई एम श्योर देखे होंगे. अगर किसी ने नहीं देखा होते मैं दिखा देता हूँ. यहाँ नहीं लगा. ये वाले फूल जो होते हैं,
ठीक है, तो उन्हें इतना शौक हुआ टूलिप्स का कि टूलिप्स की कीमतें जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई। और कैसे बढ़ना शुरू हुई कि ट्यूलिप जो है जारी बात है किसी खेत में से आ रहे हैं, किसी किसान ने लगाए हैं, वहां से जाके खरीदेंगे। तो ट्यूलिप्स के नीचे बल्ब सा होता है, जैसे प्याज का बल्ब होता है इस तरह से, वो छोटा सा नीचे प्याज की तरह होता है, छोटे से प्याज की तरह। तो उसे आप जमीन में लगाते हैं, जब सर्दियों का मौसम खत्म होता है थोड़ी गर्मी शुरू होने लगती है स्प्रिंग वगैरह में, तो वो फूटने लगते हैं, उनसे स्टेम्स निकलती हैं, उसके ऊपर फूल लगते हैं। तो अब चूंकि वहां के अमीर लोग जो है उनको ये शौक चढ़ गया, तो हर कोई खरीदना चाह रहा है, बेचने वाले हैं नहीं, और ये कि बेच सिर्फ उस सूरत में सकते हैं जब फसल आएगी। तो किसी जीनियस के जहन में ये आया कि वो किसान के पास गया और उससे कहा उसने कि यार मैं तुम्हारा पूरे का पूरा खेत खरीद लेता हूँ, ठीक है, जब मौसम आएगा तो उस वक्त मैं आके इसकी फसल उठा लूंगा। तो पूरा खेत कितने का बेचना, उन्होंने जिस पैसे जिस प्राइस पे भी डिसाइड किया कि उसे वो खरीदेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ये बंदा जो है इसने ये सोचा कि मुझे क्या जरूरत है इंतजार करने की कि जब फसल आएगी जब मैं लूंगा। तो उसने क्या किया, उसने किसी को ऑफर करी कि भाई ये देखो मेरे पास ये पूरा खेत है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम मुझे इसकी, मैंने इतने पैसे पे करे हैं, तुम अगर मुझे इसके दुगने दे दो तो पूरा खेत तुम खरीद सकते हो। तो दूसरे ने ये सोचा कि अगर सारा खेत इसने खरीद लिया है, मेरे पास क्या बचेगा जब फसल का टाइम आएगा बेचने के लिए। तो उसने कहा क्या ठीक है, उसने उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए और वो कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया। नाउ दिस पर्सन टर्न्स अराउंड एंड सेल्स दैट सेम कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर पर्सन। और एवरी टाइम, अब फसल किसी ने उठाई नहीं है, अभी फसल का टाइम भी नहीं आया, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है मुसलसल खरीदा और बेचा जा रहा है। तो कीमत यहां तक पहुंच गई कि एक बल्ब की कीमत उस वक्त एक नॉर्मल साइज के डच घर के कीमत के बराबर हो गई, एक बल्ब की। तो फिर उसमें यह भी था कि जो जितनी एग्जॉटिक कलर्स होंगे उसके उसकी कीमत उतनी ज्यादा होती है। तो वो एक ये सारे बल्ब जो थे ऑटोमन एम्पायर से रहे थे, खिलाफत उस्मानिया से आ रहे थे। तो उनमें एक कोई ऐसा भी आया जिसके अंदर कोई वायरस था, तो वो उस वायरस की वजह से उसके जो पेटल्स थे उसके ऊपर कलर्स की ना लाइनें बन जाती थी। तो वो वायरस ज्यादा जो था वो उसकी कीमत और बढ़ गई। तो बढ़ते बढ़ते कीमतें जो थी वो इंतहाई ऊंची चली गई। तो दैट वॉज बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो था वो यही होता है कि आपने जाके पूरी की पूरी फसल खरीद ली, अब वो आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी और को बेच दिया। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ फ्यूचर्स मार्केट्स वर्क। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर अब फसल के पिक करने का टाइम आ रहा है और कीमत उसकी इतनी बढ़ चुकी है कि जिसने फसल उठानी है उसे ये उम्मीद नहीं है कि एक्चुअली में उसे मार्केट में इतने पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो उसने ये सोचा कि बजाय इसके कि मैं जाके फसल उठा के अपना नुकसान करूं, जाके फसल उठाने की जरूरत ही नहीं है, बस घर बैठो, जो नुकसान हो गया हो गया। तो फसल की डिलीवरी का दिन आया और बायर जो है वो खरीदने नहीं आया। और ये एक उसके साथ नहीं हो रहा, ये सब खेतों के साथ यही काम हो रहा है। तो अब क्या हुआ कि एक्चुअल मार्केट के अंदर फसलें रखी हैं लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं है। तो अब क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, कि देयर इज सप्लाई बट देयर इज नो डिमांड, व्हाट विल हैपन टू द प्राइसेस? नीचे आ जाएंगे, प्राइसेस नीचे चली जाएंगी, राइट? सो दैट वाज द फर्स्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इन हिस्ट्री। जी ओके, सो अच्छा, अब उसका नतीजा क्या निकला कि वहां से जो आइडियाज लोगों ने लिए उन आइडियाज को आज भी इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे ये क्रूड ऑयल का टिकर है, क्रूड ऑयल का टिकर। क्रूड ऑयल जो है इसको थोड़ा और पीछे लेके जाता हूँ, लेट्स गो टू 180 डेज। तो पिछले 6 महीने के अंदर क्रूड ऑयल का, अच्छा टिकर, ये जो कमोडिटीज होती है कमोडिटीज के लिए स्लैश करके, जैसे यहाँ इसका टिकर जो है CL है, क्रूड ऑयल, तो स्लैश CL gives you pricing for crude oil. तो 65 थी इसकी, 65 on January 7th. अच्छा January 7th के बाद यहाँ आप देख रहे हैं, this is April 21st. April 21st पे यहाँ पे आपको 625-650 दिखा रहा है पर बैरल। इस दिन एक्चुअली अभी ये डेटा जो है हमारा, ये 4 आवर के उस पे है, ये देख रहे हैं ना 180 डेज एंड 4 आवर्स। इस 4 आवर के उसमें इसकी कीमत -$40 पे चली गई थी, क्रूड ऑयल की कीमत -$40 पर बैरल पे चली गई थी इस टाइम पीरियड के अंदर, इस 4 घंटे के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली फिर वो इट रिकवर्ड, लेकिन वो -40 कैसे हुई है? अब ये बात हमने लास्ट वीक करी थी फ्राइडे को कि ऑयल जो है इट्स अ कमोडिटी जिसको ना तो आप आसानी से उसकी सप्लाई को कम कर सकते हैं ना उसको आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं, दोनों में अच्छा खासा टाइम लगता है, सप्लाई बढ़ाने में भी और डिमांड को उसकी प्रोडक्शन और कम करना या ज्यादा करना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो क्या हो रहा था कि अप्रैल 21st को काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट के अंदर जिनकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि अब आपको उस दिन तेल उठाना है। मार्केट में ये अप्रैल 22nd की बात है ना, मार्केट में कोई कहीं पे स्टोरेज की जगह नहीं बची हुई, कोई उठा के लेके नहीं जाना चाह रहा। पूरी दुनिया की मार्केट जो है वो शट डाउन हुई हुई है, there's no travel, there's no cars, vehicles, airplanes, कुछ भी नहीं चल रहा। तो जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो को स्टोर करने की कहीं पे जगह ही नहीं है, एंड यू कैन नॉट शट इट डाउन, शट डाउन द वेल टू स्लो डाउन द प्रोडक्शन। तो कॉन्ट्रैक्ट चूंकि एक्सपायर हो रहे थे तो और ऑयल निकल रहा था, तो अब प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो थी उनके लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी कि जो ऑयल प्रोड्यूस हो चुका है उसका वो क्या करें। तो उस दिन -40 पे पहुंच गए। -40 का मतलब यह कि आके एक बैरल ले भी जाओ और साथ $40 भी कंपनी देगी, समझ रहे हैं इस चीज को, कि कम टेक इट एंड विल गिव यू $40 पर बैरल। तो ऐसे हालात आ गए थे, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये मतलब आज से विद इन द लास्ट मंथ एंड अ हाफ, नॉट इवन मंथ एंड अ हाफ, अ मंथ एंड फ्यू डेज। ये सिचुएशन हम अपनी आंखों से खुद देख चुके हैं, जो लोग पहले से स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे तो वी हैव सीन दिस सिचुएशन लास्ट मंथ, आई मीन अप्रैल 21st। तो इस तरह की सिचुएशन और मार्केट्स के अंदर भी होती है, जैसे चिकन प्रोडक्शन है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, कि आपका चिकन जो है एक दिन आपका तय था कि इस दिन आके उन्होंने मार्केट आपकी प्रोडक्शन फैसिलिटी से उठा के लेके जाना है, और वो नहीं आए खरीदने वाले, तो क्या होगा, आपके लिए उस चिकन को रखना भी मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक दिन की फीड जो है, अगर आपके पास 1 million चिकन है और आपको एक एक्स्ट्रा दिन उसको खाना देना है, वो खाना हो सकता है इट मे बी $50,000-$60,000 वर्थ ऑफ फीड। तो एक दिन एक्स्ट्रा जो आप रख रहे हैं उसमें आपको वो लॉस हो रहा है जो लॉस कभी रिकवर नहीं होगा।
तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस भी आई हैं कि millions of animals were killed and buried in the ground simply because उनको पिक करने के लिए कोई नहीं आ रहा था और जो फार्मर्स थे वो उसको रखना नहीं चाहते थे बिकॉज अगर वो रखेंगे तो एक तो अगली फसल के लिए वो तैयारी नहीं कर सकते और अगली फसल के लिए तैयारी जब ही करेंगे जब उनके पास स्पेस होगी. तो इस तरह की सिचुएशन जो है नेगेटिव प्राइसिंग ले जाते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट जो है स्टॉक्स ट्रेडिंग के अंदर भी अप्लीकेबल है, खासतौर पर ऑप्शन की ट्रेडिंग के अंदर. इट्स बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा अब ये देखें, मैं ये क्रूड ऑयल का किया ना, अगर मैंने इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट उठाना हो तो आई कैन गो बाय एडिट दिस और ये नीचे लिखा हुआ ये वन. तो लेट्स से आई वांट टू बाय 100 बैरल्स ऑफ ऑयल. इट्स अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. दिस एक्सपायर्स ऑन अगस्त 20th. ठीक है, और इसकी कीमत इस वक्त $21.56 है. ठीक है, नहीं ये लिमिट प्राइसिंग है, एक्चुअल प्राइसिंग इसकी $38.61. तो लेट्स से आई गो आई बाय इट फॉर 38.61 और आई कैन मेक इट अ मार्केट ऑर्डर. तो क्या होगा कि इसकी डिलीवरी मुझे अगस्त 20th को लेनी है 100 बैरल की. अब मेरे पास तो कोई टैंकर नहीं है कि मैं एक्चुअली जाके ट्रेडिंग कर ये जाके ऑयल उठा सकूं. तो क्या करना पड़ेगा मुझे, I buy this contract and then I sell this contract hopefully at a better price. If I'm expecting कि इसकी कीमत जो है by August 20th बढ़ जाएगी, तो मेरे पास तो option 38 में खरीदने की है ना. Let's say इसकी कीमत जो है 45 तक चली जाती है August 20th को. Today I can buy it for $38. अब अगर ये मैं contract किसी को बेचना चाहूँ कि market में उसकी कीमत जो है वो 45 चल रही है लेकिन मेरे पास 38 का contract मौजूद है, तो you can imagine कि कोई भी बंदा इसको खरीदने के लिए तैयार होगा. Because ये सस्ते दामों में बेच रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट जिन्होंने एक्चुअली में जाके उठाना हो अगस्त 20th को. लेकिन अगर कीमत जो है ऑयल की ड्रॉप हो जाती है अगस्त 20th को, तो मेरे पास कोई खरीदार नहीं होगा. Who would buy? अगर उनको मार्केट से 35 का मिल रहा है तो मुझे कौन देगा $38 और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है 20th को. So I end up losing $3,800, right? $100 share agar khareed raha hu $38 ke, to $3,800, $3,861 ka banega, $3,861 ka ye contract banega. So in that case, I lose all of my money because I actually cannot go and pick up the commodity. अगर सब लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स में बेचने वाले बाद में फेल हो जाए तो फिर क्या करेंगे. तो इसलिए अगर कोई फ्यूचर्स का ट्रेड करता है तो उनके लिए लाजमी है कि उस फ्यूचर्स की ट्रेड को वो मच्योर होने से अगस्त 20th से पहले पहले वो इसको बेच दें. अगर नहीं बेचेंगे तो ये सारे का सारा पैसा जो इस वक्त आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सबका सब लूज हो जाएगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ कमोडिटी एंड स्टॉक एंड अ शेयर प्राइस. शेयर्स भी आपने सिर्फ शेयर्स उठाए, इसमें आप ये वादा कर रहे हैं कि आप एक्चुअली में जाके इस कमोडिटी को पिकअप करेंगे. एनी क्वेश्चंस? ये कहां से पिकअप होंगे और ये नहीं, ये सिर्फ कमोडिटी के लिए हो सकते हैं स्टॉक का? हाँ, स्टॉक्स के लिए तो कोई आपको फिजिकल चीज तो नहीं मिलती है, वो तो बस आपके अकाउंट के अंदर आ जाते कि इतने स्टॉक आपके फलां कंपनी के अंदर मौजूद है. अगर आपने एक्चुअली में डिलीवरी उठानी है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो एक्चुअली में ऑयल के बिजनेस में है, तो वो तो एक्चुअली में जाके उठाएंगे तो वो दे विल रीड दिस कॉन्ट्रैक्ट मोर क्लियरली कि किस से खरीदा जा रहा है, कौन बेचने वाला है, तो वो एक्चुअली में जाके उसको पिकअप भी करेंगे. और ये CNN की जो हम बिफोर मार्केट
पढ़ते हो उसमें कॉर्न का स्पेशली क्यों दिखाते हैं वो, कोई और कमोडिटी क्यों नहीं दिखाते? उसकी हिस्ट्री जो है वो शिकागो से रिलेटेड है. शिकागो में मर्केंटाइल एक्सचेंज है जिसमें जिसमें सिर्फ कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, तो वो एक हिस्टोरिक सिंबल है. वैसे कॉर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट फसल वैसे भी है. आप कोई भी चीज उठा लें यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स के अंदर, यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम कॉर्न. यानी वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जो होता है वो दुनिया जहान की कोई भी चीज उठा लें उसके अंदर, खाने पीने की अगर है तो उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता कि हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप ना हो. तो उसकी वजह से कॉर्न जो है वो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, मोर इंपॉर्टेंट देन वीट, बार्ली और एनी अदर टाइप ऑफ ग्रेन. तो एक तो ये कि हर चीज को लिस्ट करने की बजाय वो एक टाइप का ग्रेन जो है उसको वो लिस्ट करते हैं, और उसमें ग्रेन अगर आपने एक तरह का पिक करना है तो जैसे पाकिस्तान में गंदम जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो दूसरी जगहों पे इंटरनेशनल मार्केट्स में कॉर्न जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज उसके यूजेज की वजह से. ओके, सो हियर आर फ्यूचर्स प्रोडक्ट्स, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसमें भी डाल देता हूँ यहाँ पे. और दूसरा जो स्टॉक्स है, ठीक है. अच्छा, तो अब क्या है कि मेटल्स हैं, ठीक है. आपने गोल्ड के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट को देखना तो वो /GC. तो ये सारी गोल्ड की हिस्टोरिक प्राइसेस आ गई हैं पिछले 6 महीने की. ऑब्वियसली अगर आप इसको और बढ़ा के देखना चाहते हैं, मसलन ये 1 year का 15 year पर वीक के हिसाब से, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं. सिल्वर की आ गई, कॉपर, माइक्रो गोल्ड, मिनी सिल्वर, प्लैटिनम, प्लेडियम, करेंसीज के अंदर मुख्तलिफ करेंसीज को. अच्छा, फिर उसके अंदर कि ये क्या आप इसकी ऑप्शन को थिंक और स्विम में ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ. तो ब्रिटिश पाउंड को आप ट्रेड कर सकते हैं /6B के उससे टिकर से. यूरो एफएक्स जो है उसको 6E से, और सिर्फ यही दो ही अलाउड हैं इसमें, तो यूरो एंड ब्रिटिश पाउंड. तो अगर आज उसकी कीमत काफ़ी बढ़ी हुई है ब्रिटिश पाउंड की, लेकिन अगर आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कम होगी तो नहीं, अगर कीमत कम हो और आप उसको खरीद लें आज, तो जब उसकी कीमत बढ़ी हो तो उस वक्त आप बेच, तो वो फॉरेक्स की ट्रेड बन जाएगी. उसको उसी तरह से राइट क्लिक, बाय, एडिट. तो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है ब्रिटिश पाउंड का, कितने का लेना है आपको, $1 लेना है या £1 लेना है या £100 खरीदने हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं. लिमिट प्राइसिंग या मार्केट प्राइसिंग, मार्केट प्राइसिंग करेंगे तो इस वक्त जो है एक ब्रिटिश पाउंड जो है वो $1.2306 का मिल रहा है. तो इसकी डिलीवरी क्या होती है? सॉरी, क्या कहा? इसमें डिलीवरीज क्या अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएंगे या इसका कुछ फिजिकल डिलीवरी उठानी रहती है? नहीं, देयर इज नो फिजिकल डिलीवरी, दिस इज लॉजिकल. आई वुडंट इवन नो कि एक्चुअली मैं जाके उठाने हो तो कहां से जाके उठाएंगे, आई डोंट इवन नो दिस. बेसिकली यू बाय एन ऑप्शन एंड यू सेल एन ऑप्शन, दिस इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. सो यू बाय अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन September 20th, ठीक है. तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन. सो सेम रूल्स अप्लाई फॉर गोल्ड एज क्रूड ऑयल, यू हैव टू पिक अप ऑन मैच्योरिटी डेट और नो? यस, ये अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाते हैं. अच्छा, आई डोंट नो, आई हैव नेवर डन दैट. आप एक्चुअली अगर चाहें तो फॉरेक्स वाला जो है करके देख लीजिए, आपके पास 10,000 की लिमिट है आपके उसमें पेपर मनी अकाउंट में, यू हैव $10,000 जो फॉरेक्स के लिए आप कर सकते हैं. तो बेशक आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उठा लें जो जल्दी मच्योर हो रहा हो,
ज्यादा लेट वाले को ना करें. तो कॉल ऑप्शन gives the holder right to buy a stock, and a put option gives holder the right to sell a stock. So, to aap agar yahan pe ye to buy kar rahe hain na, to isi tarah se aap sell ka bhi kar sakte hain. So that would be a put option. Theek hai? This is still a futures option, but this would be a put option. This would be a call option. Theek hai? Ye do lafz ab yaad rakhiyega. Put option, call option. Okay, so hold on for a second, please. Okay, excuse me. I would suggest ke, go ahead, give it a try in your paper money account. Isi tarah se grains mein corn, of course, sabse upar ye TD kisme software ke andar aap, you can trade this option. You can also trade soybean and wheat. एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर आ जाए तो ये क्रूड ऑयल आ गया, स्लैश बीजी जो है ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है, स्लैश सीएल जो है लाइट स्वीट क्रूड ऑयल है, और नेचुरल गैस स्लैश एनजी. तो ये तीन चीजें एक्चुअली सिर्फ सीएल और एनजी जो है ये दो चीजें ट्रेडेबल हैं थिंक और स्विम के अंदर. सॉफ्ट्स के अंदर कोकोआ, कॉफी, कॉटन, ऑरेंज जूस, शुगर, ठीक है, इनकी ऑप्शन ट्रेड होती हैं. फॉरेस्ट्री के अंदर लंबर जो है लकड़ी वो हो सकती है. लाइव स्टॉक के अंदर फीडर कैटल, लीन हॉग, लाइव कैटल, तो ये चीजें भी यानी इनके फ्यूचर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट वो ट्रेड होते हैं. तो बेसिकली सारे के सारे ये जो कॉन्सेप्ट है, ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम व्हाट इज नोन एज टूलिप मेनिया. From 1637 Dutch background. So, this is the situation. Questions? No questions? Okay. Navidi, made it. एक सवाल है मगर नॉट रिलेटेड टू द ऑप्शंस. ओके, लुकिन कॉफी जो है वो रॉबिनहुड में नहीं शो हो रही, इसकी रीजन क्या हो सकती है? लुकिन कॉफी, हां जी, दे हैव बीन डीलिस्टेड, आज डीलिस्ट हो गए हैं वो, दे आर नॉट ऑन नैस्डैक एनीमोर. और देन ओके, मगर अब अभी वो शो हो रही थी वहां पे थिंक और स्विम में. हां, वो सिर्फ उसमें थी पेपर मनी अकाउंट में. ये छोटे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट क्या चलेगा क्या? सॉरी, क्या चीज? स्मॉल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया जाएगा? स्मॉल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट लेके ट्राई कर ले, वो कैसे लिया जाएगा? स्मॉल किसका कॉन्ट्रैक्ट लेके? स्मॉल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सपोज फॉरेक्स का कोई स्मॉल टाइम का कॉन्ट्रैक्ट लेके आपने बोला ट्राई कर ले, तो वो कैसे लिया जाएगा? तो ये स्लैश 6B जो है ये ब्रिटिश पाउंड के लिए, राइट? तो ये ना ब्रिटिश पाउंड फ्यूचर्स जी, सेप्टेम्बर 20th को एक्सपायर होने वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत इस वक्त $1.23 पर पाउंड है, ठीक है? तो ये जब आप करेंगे तो दैट्स अ कॉल ऑप्शन कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सेप्टेम्बर 20th से पहले किसी भी वक्त एग्जीक्यूट कर सकते हैं या इसको बेच सकते हैं. तो यू राइट क्लिक हियर, बाय, जो भी आपने करना था सिंगल इसको किया, ये जब ऑर्डर आ गया इसको एडिट, और नीचे यहाँ जाके उस ऑर्डर को एडिट कर लें. यहाँ पे आपके पास डेट लिखी हुई है,
Just make sure that you sell this contract before September 20th. September 20th ka pehle ka lena ho to? तो इस वक्त जो है कोई और कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है ठीक है जिन चीजों के मल्टीपल होते हैं हाँ जिन चीजों के मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे लिस्ट आ जाती है कि क्या 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 चीजें अवेलेबल हैं कौन कौन से टाइप्स के मतलब कौन कौन सी एक्सपिरेशन के डेट के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है तो आप उसमें से यू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन हाँ तो यहाँ पे मल्टीपल उसकी लिस्ट आ जाती है कि उनके उनका डिफरेंस जो है वो एक्सपायरी डेट के ऊपर बेस करेगा कि अगर वो जल्दी एक्सपायर हो रहे हैं तो उनकी कीमत जो है वो एक्चुअल कीमत के करीब करीब होगी आज के एक्चुअल कीमत के करीब करीब और अगर बहुत ज्यादा दूर तक जा रहे हैं तो वो डिपेंडिंग ऑन के लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आज की कीमत से काफी डिफरेंस भी हो सकता है तो Okay, so that's about futures contracts and commodities. Okay, so ye jo list share kari aapke sath, so this list is a very important list. Futures products, isko aap you should bookmark this. Right, jis tarah LK. Ravi bhai. Ji. LK coffee jaise delisted ho gayi hai. अब वो काफी लोगों ने जो ऑलरेडी जो शेयर खरीदे होंगे उसके तो ऑटोमेटिकली उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे nope. क्या हो nope. वो गए टोटल लॉस इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप रीडिंग द न्यूज एंड नेवर हैव टू मच मनी इन वन स्टॉक सिर्फ उतना पैसा किसी स्टॉक में डालना चाहिए कि जो अगर डूब जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं हो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो ठीक है तो दैट्स वेयर पोर्टफोलियो की डाइवर्सिटी जो है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट हैव ऑल योर मनी इन वन स्टॉक यू शुड नेवर हैव ऑल योर एग्स इन वन बास्केट ठीक है उसको हमेशा पैसे को स्प्रेड आउट करके रखना चाहिए अली भी इसके ऑप्शन है कि वापस आ जाए लंकन कॉफी के नहीं अगली दफा डीलिस्टेड हो जाए अगर वापस भी आएगी जो लोगों को जो पैसे होंगे वो लाइक इज स्टार्टिंग कैश फ्रॉम अ जीरो अकाउंट राइट आई डोंट इवन नो हाउ दैट वुड वर्क बिकॉज़ थियोरेटिकली कैन इट हैपन श्योर बट प्रैक्टिकली विल इट हैपन लाइकलीहुड इज वेरी वेरी लो तो कितना लेके बैठे हो कौन सी चीज अमेरिकन कंपनी है और कौन सी फॉरेन कंपनी है ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि जैसे एयरबस ये तो जहां पे ADR लिखा जाए तो दिस इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटोरी आई डोंट नो व्हाट आर इज कॉल्ड फॉर बट दिस इज अमेरिकन डिपॉजिटोरी ADR और उसके आगे लिखा हुआ है OTC over the counter तो किसी भी स्टॉक के आगे अगर OTC लिखा हुआ है और वो ADR उसके अंदर शामिल है उसके नाम के अंदर तो you know that this is a foreign company this is not an American company तो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कैन बी वेरी रिस्की क्योंकि जो US कंपनीज होती हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ फिर भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं फॉरेन कंपनीज के लिए you know rules are they always find a way to bend the rules so that's what happens okay assalamu alaikum wa alaikum assalam
कुछ ना मैं ये चाह रहा था जैसे जिस ये एलके कंपनी जो है डीलिस्ट हो गई है तो इसने डेफिनेटली जब अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इनरोल हुई होगी तो इसने कोई ना कोई डिपॉजिट तो करवाए होंगे, तो क्या वो डिपॉजिट जो शेयर्स होल्डर होंगे उनमें क्या तकसीम होंगे फर्दर, या वो जो उनके एसेट्स जो है ना वो उनका क्या बनेगा? और आया कुछ नहीं बनता इस तरह जो है ना, दीज आर रूल्स ऑफ द गेम दैट यू डू नॉट दैट इफ यू ट्रेड इन अच्छा तो उसके बारे में पहले से बताते हैं ना, ये नोटिस जो था डी लिस्ट करने का ये कोई आज का तो नहीं था, दिस वाज सेवरल वीक्स अगो, आप फिर भी उसको लेके बैठे रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना, यू शुड हैव गॉटन आउट, जो आपका लॉस जो थोड़ा बहुत बनता था वो लेके आपको निकल जाना चाहिए था, यू केप सिटिंग ऑन इट, सो दिस इज योर यू नो मिस्टेक, अंडरस्टैंड दैट, कि अगर आपको किसी ने ऑलरेडी कह दिया है कि जून 29th जो है उस पे लुकन कॉफी डीलिस्ट हो जाएगी और आप फिर भी उस शेयर को लेके बैठे रहे हैं तो किसकी गलती है? डेफिनेटली हमारी गलती है, राइट right? तो इसलिए यू नो बट ड्यूरेशन दैट पीरियड कुछ ना कुछ स्टॉक जो एलके कंपनी जिस तरह थी उसने कुछ ना कुछ डिपॉजिट तो किया होगा अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कुछ सिक्योरिटीज ऐसे तो कंपनी लिस्ट के अंदर तो नहीं आती है ना स्टॉक, तो सिक्योरिटी होगी ना, तो उससे कहीं ज्यादा पैसा वो किधर जाते हैं फिर? हाँ, उससे कहीं ज्यादा पैसा वो ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी वो पैसा कैसे बनाते हैं कि उन्होंने लिस्ट किया कि जी कि हमें 10 मिलियन शेयर्स जो हैं वो बेचने हैं, अब वो $50 के हिसाब से 10 मिलियन शेयर्स अगर बेचे हैं उन्होंने तो उस पर कितनी सिक्योरिटी रख लेंगे? तो एक कंपनी अगर करी फ्रॉड रही है तो उनके लिए तो क्या फर्क पड़ता है, चाइना में बैठ के उन्होंने 300 मिलियन के झूठे वो सेल्स के फिगर्स बताए, ठीक है, अब आप बैठ के क्या कर लेंगे? आप तो सिर्फ उसी को देख रहे हैं ना जो स्टेटमेंट्स उन्होंने इशू करी हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अब अगर उसमें झूठे नंबर हैं, यहाँ पे यूएस के अंदर अगर हो तो सीईओ जो है, अगर ये मामला इस तरह का आ जाए तो सीईओ डायरेक्टली जेल में जाते हैं, तो अब अगर चाइना में बैठ के अगर कोई कर रहा है तो आप उन सीईओ को कहां से पकड़ के लाएंगे? और फिर जो भी उन्होंने डिपॉजिट रखा हुआ रख लें वो डिपॉजिट, अगर वो ऑलरेडी इतना पैसा निकाल चुके हैं मार्केट में से तो व्हाट विल यू डू, व्हाट कैन यू डू? इट्स मीन के जो डिपॉजिट उनका डिपॉजिट था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ये जो आपने डीलिस्टिंग का नोटिस का जो बताया था ये कहाँ पे हम देखते हैं, जो सीएनएन का न्यूज़लेटर जो है वहाँ पे आता है या कोई अलग से कोई नोटिस वगैरह हमें दिखाई देता है कोई? यार ये तो कंपनी न्यूज के अंदर होता है ना, तो कंपनी न्यूज के लिए आपको बताया मैंने फिनविज, राइट, फिनविज पे आप किसी भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं कि उनको उनके साथ क्या सिचुएशन हो रही है, ये देखिए सारे न्यूज आइटम, किसी भी ऐसे न्यूज आइटम जिसमें लुकन कॉफी का जिक्र था तो वो सारी की सारी इस तरह से लिस्ट होती हैं डेट्स के हिसाब से। अब ये देखें जून 26th दैट वाज फ्राइडे, राइट, तो फ्राइडे को कितनी 9 बजे थी, 9:09 पे थी, 9:54, 10 AM, 10 AM, अब इतनी सारी न्यूज के बाद भी अगर आप लेके बैठे रहे हैं लुकन कॉफी को तो फिर तो आप किसी को नहीं कह सकते। ये देखें लुकन कॉफी अनाउंसेस विथड्रॉल ऑफ इट्स रिक्वेस्ट फॉर नैसडैक हियरिंग, तो इन्होंने हियरिंग के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, वो हियरिंग जो थी आज होनी थी लेकिन उन्होंने उससे 1 business day बिफोर दैट उन्होंने अपनी वो विड्रॉ कर ली, तो 9 AM ये न्यूज आ गई थी। अब उसका मतलब ये क्या था कि जब वो हियरिंग में जाएंगे ही नहीं और उनको जून 29th को डीलिस्ट होना है तो इट मींस दैट दिस इज गोइंग थ्रू। Okay, thank you. ठीक है, फिर इसी तरह से tempting as it may be, Lucan stock isn't worth the immense risk. इसी तरह से Lucan coffee will likely delist from Nasdaq following fraud allegations. Lucan coffee to be delisted from Nasdaq. Lucan coffee board moves to oust the chairman. Lucan coffee received notification of to convene an extraordinary general meeting. Proposal of resignation and removal of chairman of the board.
Lucan stock jumped 7% after board calls for chairman's resignation. Lucan Coffee board is forcing out its chairman. Lucan stock tumbles because it decided to stop fighting delisting. Right? So ab ye sari news aa rahi hai musalsal, pura din ye news aati rahi hai. Agar aap Lucan Coffee ka stock leke baithe hain, to usually wo news yahan pe jo iska section hai market news ka, live news ka, usme bhi aa rahi hoti hain yahan pe bhi. Theek hai, ab yahan pe aap LK करें तो ये Lucan Coffee, ठीक है, उसकी सारी न्यूज आ रही है, आज की भी न्यूज आ रही है, 857 की भी न्यूज है, ठीक है. इसको अब इन चीजों को पढ़ लेना चाहिए ना. अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपने रिसर्च नहीं करी है. अगर आपने रिसर्च नहीं करी है और फिर आप ये कहें कि जी हमारा लॉस हो गया, तो फिर तो लॉस बनता है ना, फिर तो सजा बनती है, पनिशमेंट बनती है. तो मार्केट पनिशेस यू बेसिकली बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. तो वो तो अगर आप कोई रेडी भी लगा के बैठे हो उसमें भी अगर आप इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बिजनेस ऑफ कोर्स यू विल इनकर अ लॉस. तो स्टॉक मार्केट के अंदर कर रहे हैं तो यू हैव टू नो दिस इज अ बेसिक टूल. इस टूल को इस्तेमाल किए बगैर, न्यूज के टूल को इस्तेमाल किए बगैर आप अगर स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर बेसिकली यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग. तो किसी भी बिजनेस के अंदर इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू. द ओनली वे यू कैन कंट्रोल थिंग्स इज इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. व्हाट आर पेनी शेयर्स? पेनी शेयर्स जो होते हैं बेसिकली जो $1 से कम कीमत पे चल रहे होते हैं उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है. तो मसलन एक कंपनी थी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, एक कंपनी थी बॉम्बार्डियर. इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले दिनों इसके बारे में हमारे इंटरनल मेरे कुछ करीबी लोगों ने कुछ खरीदा हुआ था. तो बॉम्बार्डियर जो था बॉम्बार्डियर तो बैंकरप्ट नहीं हो गई? इसने बैंकरप्टसी तो नहीं फाइल कर दी ना इसने? अभी नहीं करी है. तो अभी ये लोग अपने जो जो ओरिजिनल वो थे जहाज जो ये लोग बनाते थे उसकी अभी भी सपोर्ट एंड सर्विस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कोई नया जहाज नहीं बन रहा इनका. और अगर कोई है भी सही तो वो यूजुअली बिजनेस ट्रैवल के लिए जो छोटे जहाज होते हैं ना, जैसे 15 सीटर 20 सीटर उस तरह के जहाज हैं इनके. तो और वो मार्केट जो है वो बहुत क्राउडेड मार्केट है. मतलब होंडा जो है वो भी दे आर आल्सो इनटू मेकिंग दो स्मॉल जेट्स. तो इसकी कीमत जो है 31 सेंट पे चल रही है. सो 31.66 राइट. तो दीज स्टॉक्स विल बी पेनी स्टॉक्स. तो बाज़ोकत पेनी स्टॉक्स जो है वो भी जंप करके $5 $6 पे चले जाते हैं. जैसे यहाँ पे एक कंपनी है ब्लूम एनर्जी के नाम से, यहाँ डेलावेयर की कंपनी है. इनको अगर आप देखें पिछले 6 महीने का, तो जब ऊपर की तरफ गए थे तो 1451 पे भी ट्रेड कर रहे थे, नीचे आए हैं तो 244. खैर ये एग्जैक्टली पेनी स्टॉक तो नहीं बनता है, लेकिन ये काफी करीब पहुंच गए थे ये भी. अगर आप उस पे जाएं द स्टॉक मार्केट वॉच, दिस वाज अनदर वेबसाइट दैट आई शेयर्ड विद यू. यहाँ पे अगर आप देखें तो हर स्टॉक के आगे उसकी कीमत लिखी हुई है. ठीक है, तो ये आज वाले जो थे ये सब के सब, इनमें कोई भी पेनी स्टॉक नहीं है. सब कम से कम मिनिमम जो था वो 259 का है मिनिमम वाला जो है. इसमें भी कोई ऐसा नहीं है. यहाँ पे मार्केट्स में जाके अगर हम जाएं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से जो बिक रहे हैं तो इनमें भी कोई पेनी स्टॉक नजर नहीं आ रहा आज. तो नन ऑफ दीज आर पेनी स्टॉक्स टुडे. हाँ ये नहीं, ये भी 9.23 तो ये है 17 सेंट्स का. तो हाई क्रश के नाम से, अभी हाई क्रश क्या चीज है
Agricrush engages in production of monocrystalline sand. It owns, operates, and develops sand reserves and related excavation as well as processing facilities. The firm supports frac sand and logistics services. The company was founded on May 8, 2012, headquartered in Austin. So, $0.17 ka uska stock likh raha. तो ये देखिए $59 जो था इसका हाई प्राइस थी पिछले छह महीने के अंदर, लो जो गई है ये 15 सेंट पे गई है, तो इस वक्त जो है 16 सेंट का बिक रहा है। तो अगर आपने इसके 10,000 शेयर उठाए हुए हो तो अगर एक सेंट भी उसकी ऊपर गई है कीमत तो आपके $10 बन गए उसमें। You know, this is how it works. You know, you buy tens of thousands of shares. Lekin volume niche dekhen. Volume is minuscule. Is tarah ke volume, is tarah ki companies se, you know, I would usually stay away. Volume is horrible. Okay. Questions again. Yeah. How do we know Consi company? Sorry, Amir, you continue. What's the difference between Ameritrade and Thinkorswim? Which one you prefer to open an account? So Thinkorswim is a software which is connected to Ameritrade account. If you have an Ameritrade account, then Thinkorswim is connected to that. So Thinkorswim is just a platform. It's just a software. It's the name of the software. Thinkorswim is not a bank. So you have to have money with the stock broker. So stock broker jo hai wo, that would be TD Ameritrade. So bahut sare stock brokers hain, bade bade stock traders jo yahan US mein hain, unme Merrill Lynch hai, Bank of America ka Merrill Lynch, Fidelity ke naam se company hai, Vanguard ke naam se company hai. So there are a lot of brokers, so you have to have an account with a broker. Each broker will have their own platform. So TD Ameritrade ka jo platform, a trading platform, that's called Thinkorswim. So if I want, I can open an account at Ameritrade, right? TD Ameritrade, yes. Well, thanks. Yeah. How do we know companies dividend de di hai ya de kin kin shares mein dividend milte hain? Right. हाँ, तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठा के देखें और उसे आप ले जाएं लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। ये अच्छा, ये नीचे आपको ये छोटे छोटे आइकॉन्स नजर आ रहे हैं, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इस एरिया को। तो ये देखिए, यहाँ पे ये डॉलर साइन नजर आ रहा है आपको? तो ये डॉलर साइन जो है, दिस इज के उन्होंने डिविडेंड पे किया था। डिविडेंड 77 सेंट का डिविडेंड दिया था अगस्त 9th 2019 को। फिर उसके बाद उन्होंने अगस्त 9th के बाद उन्होंने फिर नवंबर 7th को पे करा। नवंबर 7th के बाद उन्होंने फरवरी 7th को पे करा है। तो किसी भी कंपनी का आप जरा लॉन्ग टर्म वो उठा के देखें, ये देखिए एप्पल कंपनी का है। तो एप्पल कंपनी जो है $4.99, $3.03, यू नो, ये डिविडेंड्स पे कर रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस दैट पीपल लव एप्पल, बिकॉज़ आप देखिए इसकी कीमत जो है $3.55 का शेयर, लेकिन डिविडेंड वो कितना दे रहे हैं? ऑलमोस्ट $5 का, राइट? $4.99 का डिविडेंड था ये जो इन्होंने पे करा है फरवरी 7th को। उसके मुकाबले में अमेज़न जो है, अमेज़न का स्टॉक 2,654 डॉलर का स्टॉक है उनका, और डिविडेंड कितना पे करते हैं? $5, $6। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको
$2,654 की इन्वेस्टमेंट पे $5 का डिविडेंड मिल रहा है हर तीन महीने के बाद वर्सेस $355 के उस पे भी तकरीबन उतना ही मिल रहा है, तो आप किस कंपनी में ज्यादा शेयर खरीदना चाहेंगे? राइट, तो यू वुड, तो इसमें डिविडेंड लेने के लिए लाजमी है कि उस दिन जिस दिन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होना है उस दिन आपने ये शेयर उठाए हुए हों, तो इसीलिए यूजली डिविडेंड के डेट के आसपास इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ पे बाजू का आपको ये फोन का आइकॉन नजर आ रहा है, राइट, ये फोन से बना हुआ है, ये फोन जो होता है इनकी क्वार्टरली मीटिंग का इंडिकेटर है। अगर आप इसके ऊपर माउस ओवर करें तो ये सामने लिखा हुआ है अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल ऑन April 30th, राइट। अच्छा, इसी को इसकी मजीद अगर आप डिटेल देखना चाहें तो गो टू कंपनीज वेबसाइट, रीड द प्रेस रिलीज। ठीक है, तो उसमें वो सारी डिटेल होगी कि अर्निंग की कॉन्फ्रेंस कॉल जो है कब होनी है, उसका फोन नंबर, उसका पासवर्ड, वो सारी चीजें उन्होंने बताई हुई होती हैं। तो अगर आपके पास कोई तरीका है US नंबर डायल करने का तो दैट वुड बी अ गुड वे ऑफ फाइंडिंग आउट। अगर आपके पास कोई नंबर ना हो US में कॉल करने के कोई तरीका ना हो तो आप लेट मी नो, आई कैन हेल्प यू विद दैट। यूजुअली अगर आप जीमेल के अकाउंट के अंदर हैं तो नीचे let me show you. ये यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ये फोन का सिंबल नीचे बना हुआ होता है। तो अब ये आई डोंट नो कि ये सिंबल जो है सिर्फ इसको मैंने क्लिक किया डायल अ फोन नंबर, यहाँ से किसी भी नंबर के ऊपर अगर मैं कॉल करना चाहूँ 4657 24, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉल आना शुरू हो गई। तो इस तरह की चीजें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक कॉल्स विद इन द US। अगर आपके जीमेल में ये नीचे से मेक अ कॉल का फोन कॉल का बटन अवेलेबल नहीं है तो लेट मी नो, आई विल क्रिएट, आई विल गिव यू एक्सेस टू एन अकाउंट दैट इज क्रिएटेड इन द US। तो वो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो तो यू कैन स्टिल यूज इट टू मेक फ्री कॉल्स इन द US। और आई वुड सजेस्ट दैट यू डू लिसन इन टू सम ऑफ दीज कॉल्स, टेक इट एज एन असाइनमेंट। ठीक है, जिसकी कोई अपकमिंग होंगी, लेट्स लुक एट होम डिपो, होम डिपो की कॉल जो ये देखें, होम डिपो किसी कॉल आनी है August 18th को इसकी कॉल है। अगर आप इस कॉल में डायल इन करना चाहते हैं तो यू कैन, और ये भी है लिसन ऑनलाइन, ये भी बात बात तरीका होता है। हाँ, ये रहा August 20th को Q2 2020 होम डिपो अर्निंग्स रिलीज, ऐड टू कैलेंडर, सो यू कैन ऐड इट टू द कैलेंडर। तो ये जब टाइम करीब आएगा तो उसमें फिर एक्चुअल वो भी आएगी। और ये वेबकास्ट है, तो वेबकास्ट जो ये पुरानी वेबकास्ट रखी हुई है इसको भी आप देख सकते हैं कि उस वक्त उन्होंने क्या बातें करी थी। ये मे की रिपोर्ट है। Hi everybody, thank you for joining us. Today we're happy to host Home Depot. I think Craig, this is the third in a row for us, and we always love having you guys. तो ये Home Depot की अर्निंग्स रिपोर्ट है, अर्निंग्स कॉल। इसी तरह से और भी कंपनियों की, हर कंपनी की ये होती है, तो उसमें यू कैन लॉग इन एंड सी के क्या हो रहा है। ठीक है, तो टेक इट एज एन असाइनमेंट कि नेक्स्ट टाइम जब भी किसी की कोई अर्निंग्स कॉल आ रही हो तो जस्ट डायल इन। अगर आपके पास US के डायल करने का फोन नंबर का तरीका नहीं है तो मैं जैसे कह रहा हूँ आपको, सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज, आई विल सेंड यू एन अकाउंट दैट विल अलाउ यू टू मेक दैट कॉल। सो
you can enjoy join that conversation without having shares, or you have to share? Yeah, no. Koi bhi dial in kar sakta. It's a public meeting. ठीक है तो वो आपको बोलने नहीं देंगे उसमें. They will not allow you to speak, but you can listen in. Okay. Any other questions? नवीद भाई जी, ये जो TD Ameritrade जो है, इसमें हम कोई भी इंटरनेशनल बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान वगैरह जो हो गया? नहीं. तो इसमें सिर्फ वो कंपनीज आप एक्सेस कर सकते हैं जो कंपनीज अमेरिका में किसी ना किसी तरह से रजिस्टर्ड, बेशक उनका बिजनेस जो है इंटरनेशनल हो, किसी और मुल्क में हो, लेकिन दे आर लिस्टेड विद वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस इन द US. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, या नैसडैक है, या शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, या कोई और. They have to be listed with those stock exchanges for you to be able to access them through your broker. In this case, broker jo hai wo TD Ameritrade hai. Aur phir koi tool chahiye, koi platform chahiye, to wo platform in our case it would be thinkorswim. Isi tarah se aur bhi kai companies hain. For example, I'll give you one quick example here. This is a company called Robinhood. तो Robinhood का मैंने अभी तक इसलिए जिक्र नहीं किया था आपको क्योंकि इसका तो अकाउंट खोलना जो है वो ही बहुत बड़ी मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि इनको आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, आपके लोकल ID चाहिए, और ये सिर्फ US के लिए अलाउ करते हैं. तो उसमें अगर आप जाएं किसी भी इनके उस पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी बोइंग के लिए अगर आप देखें, तो ये तो एक तो सिंपल जो प्लेटफॉर्म है वो तो आपको दिखा रहा है उसका 1 week का, 1 month, 3 month, 5 year का चार्ट, राइट? लेकिन इसी तरह से इसको अगर आप एक्सपैंड पे क्लिक करें तो ये आपको level 2 डेटा भी फिर दिखाता है. ये देखिए, ये ऑर्डर बुक है. ऑर्डर बुक के अंदर वो आपको दिखा रहा है कि बेचने वालों के क्या ऑर्डर आ रहे हैं. 184.27 शेयर बेचने का ऑर्डर लगा हुआ है, 184.27 पे 400 के खरीदने का ऑर्डर लगा हुआ है, उनके दरमियान स्प्रेड कितना है, 6 सेंट का स्प्रेड है, 8 सेंट का स्प्रेड है, राइट? अच्छा, इसी तरह से नीचे डेप्थ चार्ट आ रहा है, ये बेचने वाले हैं, ये खरीदने वाले हैं. तो यहाँ पे आप यू कैन सी कि जहां पे बेचने और खरीदने वाले की कीमत आपस में मिल जाती है वहां जाके वो ट्रेड होती है. इसी तरह से अगर हम इसको छोटा कर दें, तो यहाँ पे ये RSI relative strength index मैंने आपको बताया हुआ, this is also an important thing, you can use it as a data point. अगर ये ऊपर 70 से ऊपर है, देखें अब ये तकरीबन 100 को टच करने वाला हो रहा है, तो this is the time to sell, right? तो और जब ये नीचे की तरफ आता है, 30 से नीचे आ जाए, जैसे ये पॉइंट था, तो that would have been a time to buy. This is one of the data points. You know, you don't make your decision based on just one chart. Aur upar zahir baat hai uska candle chart aa raha hai aur niche volume aa raha hai, to volume is good, positive volume, right? Agar main kuch bechna chahu to should I sell it at this time? What do you think? Yes, bech sakte hain. Bech sakte hain, right? To lekin abhi chunke sara green volume aa raha hai, so I'm expecting that this might go even further up. So I keep an eye on this chart, and jab bhi mujhe faisla karna hai to yahi se sell, theek hai, let's say I want to sell 100 shares, I will keep this in, theek hai, ye yahan pe mujhe price dikha raha hai, to I usually hold out on this and see ke chart ke sath kya ban raha hai. अगर ये अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऊपर जाएगा तो आई होल्ड आउट ऑन दिस. अगर ये नीचे आने लगेगा जहां पे रेड थोड़ा सा भी नजर आएगा तो आई कैन सेल इट एट दैट टाइम एंड गेट आउट ऑफ हियर. तो ये Robinhood का प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ये
ٹی ڈی امیریٹریڈ کا پلیٹفارم ہے. تو اس طرح سے مختلف کمپنیوں کے مختلف پلیٹفارمز ہوتے ہیں. کچھ پلیٹفارمز جو ہوتے ہیں بہت ایزی ٹو یوز ہوتے ہیں, کچھ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جیسے آپ دیکھ رہے تھے نا آرڈر بک, تو یہ بیسکلی یہاں پہ وہی آرڈر بک لگی ہوئی ہے, رائٹ, وہی آر ایس آئی ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس. ٹھیک ہے, تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آر ایس آئی جو ہے دیٹس ون آف دا one of the ways that you use to make a decision. So for example, kahan bhi hai, to yahan pe aap dekh rahe hain ki relative strength index jo hai iska 46% pe. تو یہ کیا چکر ہے, وہاں پہ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس جو تھا وہ 100 پہ دکھا رہا تھا, یہاں پہ اتنا نیچے کیوں دکھا رہا ہے؟ تو اٹ ڈیپینڈز آن کہ آپ نے کون سا چارٹ کھولا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ ون ویک کا چارٹ ہے, تو ون ویک کے چارٹ کے مطابق تو ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس اس وقت بہت ہائی ہے, یو شوڈ جسٹ سیل اینڈ گیٹ آؤٹ. اگر آپ اسے ون منتھ کا چارٹ دیکھیں تو یہ دیکھیے ابھی اس نے 70 کو بھی ٹچ نہیں کرا ہے. تو یعنی اٹ مینس کہ اگر آپ ایک مہینے کے آر ایس آئی پہ کر رہے ہیں تو یو شوڈ اسٹل ہولڈ آؤٹ, تھری منتھس کے اس پہ کر رہے ہیں تو یو شوڈ اسٹل ہولڈ آؤٹ, ون ایئر کی پرائسنگ اگر دیکھیں آپ تو پھر یہ دیکھیں ابھی تو خریدنے کا ٹائم ہے, ابھی بھی خریدنے کا ٹائم ہے, رائٹ. اگر تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کا ٹائم ہورائزن کیا ہے, تو دیٹس ہاؤ یو ریڈ آر ایس آئی دیٹ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس بیسڈ آن کہ آپ اپنی ٹائمنگ کو دیکھیں گے, آپ کی ٹائمنگ کیا تھی. تو ابھی دیکھیے 183 پہ آ گیا, تو دس یو نو یہ ریڈ کینڈل کیا جیسے یہ شروع ہوئی تھی اس ٹائم پیریڈ کے اندر, تو دیٹ وڈ بی اے ٹائم ٹو گیٹ آؤٹ. تو آئی کوڈ ہیو سولڈ اٹ فار 184, اب 183 پہ آ گیا, رائٹ. تو دس از ہاؤ یو بیسکلی میک یور ڈیسیشنز. نوید بھائی, کوئی کوسچن؟ یس نوید بھائی, اب لائک اب ڈفرنٹ ٹائم پیریڈ کے ڈفرنٹ چارٹس آپ دیکھ رہے ہیں, تو بیسٹ چارٹ ہمارے لیے کون سا جس پہ ہم صرف بائی کر سکیں یا سیل کر سکیں؟ یوزلی 3-day 3-minute چارٹ جو ہوتا ہے, اٹ گیوز یو پریٹی گڈ بیلنسڈ انفارمیشن, کیونکہ آپ اگر ایک منٹ کے چارٹ کو دیکھیں نا, 1-day 1-minute چارٹ, تو 1 minute کے اندر یو ڈونٹ ہیو, دی پیریڈ از ناٹ لانگ انف ٹو گیو یو اے سسٹینڈ value کے کیا ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. تو فیک سگنلز بھی آتے ہیں آپ کے 1 منٹ کے چارٹ پہ؟ سوری, کیا کہا؟ فیک سگنلز آتے ہیں ہمارے 1 منٹ کے چارٹ پہ؟ ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو کینڈل کی وکس ہوتی ہیں یہ اس کا اسپریڈ دکھا رہی ہیں نا, تو یو مے ناٹ بی ایکچولی ایبل ٹو سیل اور بائی ایٹ دوز وک پرائسز. تو دیٹ از آلویز اے پاسبلٹی. اچھا, تو بیسٹ ہے کہ ہم 3-day 3-minute کے چارٹ پہ رہیں. بیسیکلی میں نے جب فرسٹ ٹائم جب میں نے جوائن کیا تھا, تو میں نے رابن ہوڈ ہی جوائن کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ میرا جس کہتے ہیں یہ فرسٹ پلیٹ فارم ہے یہ. تو اب میں نے تھنک سوئم پہ سوئچ کیا, مگر میرے جتنے بھی فنڈز ہیں نا وہ میں رابن ہوڈ سے تھنک سوئم پہ ٹرانسفر نہیں کر رہا, میں صرف اس کو یہی رہنے دے رہا ہوں. اب اس میں نئے فنڈز ڈالوں گا اس پہ میں. اوکے, تو اب یہ ہے کہ اب جیسے آپ کا وہ لائک نیچے اب آپ کا ڈیپتھ آ رہی ہے, ڈیپتھ چارٹ جو آ رہی ہے, اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ اس کو بائنگ اینڈ سیلنگ کس طرح میٹ کریں, اور اسپریڈ ہم کس طرح اس کو دیکھ سکتے ہیں, پتا لگ سکتا ہے ہمارا اسپریڈ کتنا ہے؟ تو یہ لکھا ہوا ہے نا اسپریڈ یہاں پہ, رائٹ ہیئر آن دس آرڈر بک. اچھا, ٹھیک ہے, اب بتا رہا سارے کریں گے. اب جب ہم بائی کریں گے جی, آٹومیٹکلی جو آرڈر بک میں اسپریڈ ہوگا وہ ہمیں ملے گا. اگر آپ مارکیٹ آرڈر پلیس کر رہے ہیں تو وہ جو بھی منیمم بیچنے والے کی پرائس آ رہی ہے بس اس کو جا کے وہ پک کر لے گا, اٹ ول ناٹ کیئر فار دی اسپریڈ. اسپریڈ کا کیئر جو ہے وہ صرف اس صورت میں کہ اگر آپ نے لمٹ آرڈر لگایا ہوا ہے. اچھا, لمٹ آرڈر سے مراد نہیں کہ ہم نے بائنگ کا آرڈر لگایا ہوا ہے, لمٹ بائنگ کا؟ جی ہاں, بائنگ کا یا سیلنگ کا جو بھی آپ کریں گے, تو اسپریڈ ول ورک اونلی ان دیٹ سینس. اگر آپ نے مارکیٹ ویلیو اٹھانی ہے, اگر آپ خرید رہے ہیں تو جو بھی آپ کو سستے سے سستا, جو بھی بیسٹ پرائسنگ ملے گی اس اسٹاک کو خریدنے کے لیے, وہ جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا. اسی طرح سے بیچتے ہوئے
جو بھی کسی بھی قیمت پہ اگر خریدنے والا بیٹھا تو اٹ ول امیڈیٹلی گو اینڈ سیل ایٹ دیٹ پرائس. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ کو آرڈر نظر آ رہے ہیں, یہ 100 شیئر کے آرڈر نظر آ رہے ہیں خریدنے والوں کے. لیٹس سے کوئی آپ 1000 بیچنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرے گا, 300 اس کو بیچے گا, 100 اس کو بیچے گا, 3 اس کو بیچ دے گا, یو نو الٹیمیٹلی سیل ایٹ واٹ ایور پرائس. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرائسز بھی مختلف ہیں, 100 کی یہ, 200 کی. اب ظاہری بات ہے یہ ڈیٹا اتنا تیزی سے موو ہو رہا ہے کہ اٹ از ایون ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ دیز نمبرز, بٹ خریدنے والے جو ہیں وہ 10 خرید رہے ہیں, 20 خرید رہے ہیں, 200 خرید رہے ہیں, 400 خرید رہے ہیں, آپ نے 1000 بیچنا ہے. So that 1000 will not necessarily go to one person. It may go to multiple people. اور جو بھی انہوں نے قیمتیں لگائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, 183, 10, 182, 90, 180, 287, ٹھیک ہے, تو جس جس قیمت پہ جتنا جتنا بک جائے گا تو جو بھی بیسٹ پرائسنگ آپ کو ملے گی وہ اٹھا کے بروکر آپ کو آپ کو آرڈر ایگزیکیوٹ کر دے گا. اسی طرح سے اگر آپ خریدنے لگے, آپ 1000 خریدنا چاہتے ہیں لیکن بیچنے والے جو ہے وہ 200 کا ہے, 42 کا ہے, 100 کا ہے, 200 کا, یو نو, تو وہ مختلف لوگوں سے مختلف قیمتوں پہ خرید کے آپ کا آرڈر فلفل کر دے گا اگر آپ نے مارکیٹ آرڈر لگایا ہوا. تو اس میں ان دیٹ کیس اسپریڈ کی تو کوئی یو نو کوئی کانسیپٹ نہیں رہتا مارکیٹ آرڈرز کے اندر. اچھا, مارکیٹ آرڈرز کس کا کانسیپٹ رہتا ہے؟ صرف لمٹ اگر لگاتے ہیں دین اٹس کاؤنٹ ایز اے اسپریڈ. لمٹ لگائیں گے تو پھر اسپریڈ جو ہے دین, فار ایگزامپل بیچنے والا جو ہے 91 پہ بیچ رہا ہے, آپ 88 پہ لگا کے بیٹھے ہیں, تو اب اٹ ول کیپ سٹنگ, دی آرڈر ول کیپ سٹنگ انٹل مارکیٹ ویلیو جو ہے اس کی اتنی کم ہو کہ آپ کی جو لمٹ ہے وہ بیچنے والے کی لمٹ کے ایکول ہو جائے. جہاں پہ وہ ایکول ہوگی وہاں پہ جا کے وہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی. ہم بالکل ایبسولوٹلی, مگر علی, مگر نوید بھائی, ہم اسپریڈ دیکھ کے ہم ٹائم کا بھی آئیڈیا لگا سکتے کہ ہمارا آرڈر کتنی دیر بعد فلڈ ہوگا؟ Not necessarily, because you don't know کہ market کہاں جا کے settle ہوگی. صحیح. And you always prefer go with the limit order. Yes, absolutely. Limit order is the best way to go. خاص طور پہ جب volume کم آ رہا ہو. اب جیسے یہ volume high ہے نا یہاں پہ, تو usually higher volume کے اندر جو قیمت یہاں نظر آ رہی ہے اس کے آس پاس ہی کچھ سینٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, but it'll be within that range. لیکن اگر آپ آفٹر مارکیٹ یا پری مارکیٹ میں اگر کچھ خریدتے ہیں تو اس وقت تو ڈیفینیٹلی یو شوڈ ہیو اے لمٹ آرڈر, کیونکہ اسپریڈ جو ہے, اسپریڈ کین بی ہیوج ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز دیئر از ناٹ انف ولیوم پری مارکیٹ اور آفٹر مارکیٹ میں. اوکے, تو ابھی اٹس 10:27. آئی ووڈ لائک کہ آپ لوگ آج کچھ ٹریڈنگ کریں. آئی ایم شیور آج آپ نے کچھ پیسے بنائے ہوں گے. اگر آپ نے بوئنگ پچھلے ہفتے خرید کے رکھا ہوا تھا تو پچھلے ہفتے تو سارا یہ 170s میں ڈیل ہو رہا تھا, 160s میں بھی چلا گیا تھا. تو سی واٹ یو ہیو ڈن وتھ ڈفرنٹ پورٹ فولیوز. کوئی کوئکلی دکھائیں گے اپنا پورٹ فولیو, کتنے لوگ رہتے ہیں آج اس وقت میٹنگ میں؟ اب اس وقت 21 لوگ ہیں. So let's go one by one quickly and see kya aapke portfolio ki kya situation chal rahi hai. Mehroz, you want to share? The question hai mera. Ji. Maine ek share khareeda tha WQHS ka. Acha. Wo maine, Naveed bhai, 100 share maine khareede the like 770 pe. Acha. Aur wo jab 970 ki hua tha to maine sell kar diye the. نیوز ایک شیئر کی تھی, وہی نیوز ایک بڑی ہیلپ فل ہوئی تھی, تو جس کی وجہ سے وہ شیئر جیسے کہتے ہیں نا, وہ ایک دم اس کو بوسٹ ملا تھا. نوید بھائی, اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ہاؤ واز دیٹ, وہ شیئر کتنے والیٹائل ہیں ان فیوچر مارکیٹ کے لیے, اور کیا وہ ہم اس کو نکولا کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں آنے والے وقتوں میں؟ ورک ہورس گروپ, اچھا اس دوران والا لک انٹو دس. Anybody else would like to go? کبھی ایسا ہوتا ہے 100% کیا آپ نے کبھی فل ٹریڈ کیچ کی ہو جاتا ہے
مارکیٹ میں ہم کر سکتے ہیں لائک اے ٹو زی ہم نے کبھی فل ٹریڈ کیچ کی ہو؟ بالکل ہوتی ہے, پہلے ہم اس کو سیل کر دیا ہے, بالکل ہوتی ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کتنا ٹائم دے رہے ہیں. تو ورک ہورس جو ہے, ورک ہورس گروپ ڈیزائنز, مینوفیکچرز, بلڈ, سیلز اینڈ لیسز بیٹری الیکٹرک ویہیکلز اینڈ ایئر کرافٹس ان دی یونائیٹڈ سٹیٹس. It operates through two divisions, automotive and aviation. Our company also develops cloud-based and real-time telemetrics, performance monitoring systems. So, those can, their products include electric cargo vans, medium and light-duty pickup trucks, as well as horsefly delivery drone systems. The company formerly known as AMP Holding and changed its name to Workhorse in April 2015, was founded in 2007 and headquartered in Loveland, Ohio. So, you know, I would need a little bit more time to make any determination. یہ اب ٹیسلا کے ایکول ہے یا نہیں ہے. مارکیٹ ویلیو کے حساب سے دیکھیں تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. دس از اے $600 million کمپنی کمپیئرڈ ٹو ٹیسلا جس کا کتنا $182 billion کی مارکیٹ کیپ ہے. ٹھیک ہے, تو دس از لائک اے منسکیول کمپنی کمپیئرڈ ٹو ٹیسلا. So that comparison would not be a fair comparison in any stretch of the imagination. No, I mean Nikola. Ha, to Nikola jo hai, Nikola, maybe bhi uski itni hype ho chuki hai, uske shares ki sale uski zero hai, aur kafi analyst hain wo ye samajh nahi pa rahe ki why is getting so much hype without any sale, why is their stocks are going up, rising. وہ تو ٹیسلا کو بھی آپ دیکھ لیں, اگر تو ٹیسلا کی کون سی ہر کوارٹر میں نقصان ہی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو بات جو ہوتی ہے وہ فیوچر کیپٹلائز, فیوچر ایکسپیکٹیشن کی ہے, کہ فیوچر ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ساری الیکٹرک ویہیکلس کی یہی ہے کہ گیس پاورڈ کاریں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. تو اگر الیکٹرک پاورڈ ہی رہیں گی, دیٹس دا فیوچر, اینڈ دیر از اے کمپنی دیٹ از انویسٹڈ ان دیٹ انڈسٹری. تو جیسے آئل کی قیمت بڑھے گی, اگر اف اٹ ایکچولی گوز ٹو $190 پر بیرل, تو ان دیٹ سچویشن الیکٹرک ویکل ول بی دی اونلی چوائس بیسیکلی جو لوگ خرید پائیں گے. تو ایسی سچویشن کے اندر اب آپ کو کیا کرنا چاہیے اف یو آر اے فیوچرز انویسٹر, رائٹ؟ تو یو وڈ انویسٹ in something that is the technology of the future. To usi hisab se Tesla ki keemtein jo hai wo kahan se kahan pahunch gayi uske share ki. To ab agar Tesla ko koi compete karne ke liye aa raha hai, to obviously people don't like ke ek hi company har cheez karti rahe. To people want to diversify, ke agar Tesla ko kuch hota hai to piche koi aur competitor to hona chahiye. To people would usually, agar $1000 ka share Tesla ka khareedne ke liye taiyar hain, تو اس کے مقابلے میں $60, $67, $68, $70 کا شیئر نکولا کا جو ہے وہ اٹ میکس مور سینس. تو جہاں تک پروفیٹیبلٹی کی بات ہے, تو دیز کمپنیز آر ناٹ اینی ویئر کلوز ٹو بینگ پروفیٹیبل ایٹ آل, بیکاز نکولا کے کیس میں تو سیل ہی کوئی نہیں ہے, ابھی کوئی پروڈکٹ ہی کوئی نہیں ہے, دے آر اسٹل ان دا ڈیولپمنٹ فیز. بٹ ونس دا مینوفیکچرنگ سسٹم سیٹس اپ, کیونکہ شروع میں ویسے بھی تو بہت ہیوی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے نا, دیز آر کیپیٹل انٹینسیو کمپنیز. تو پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ دیز کمپنیز ول کنٹینیو ٹو ہیو ہیوج انویسٹمنٹس انٹو دی انفراسٹرکچر بیفور ایکچوئل پروڈکشن سٹارٹس. اوکے زمان, لیٹس گو. جی, مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ ہسٹری کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ ہماری جو ہسٹری ہے, ٹوٹل ہم نے شیئر کیا خریدے ہیں, اور اس کا بایو ڈیٹا کہاں پہ موجود ہے؟ اوکے,
तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें जमान राइट ओके ओके आगे है आपके पास जी आई कैन सी इट अच्छा ओके गो टू द ट्रेड टैब ट्रेड टैब अच्छा ठीक है देन अच्छा ठीक है अब इसमें कहां से देखना है हमने कि मैंने टोटल शेयर किस किस चीज के खरीदे हैं और उसमें लॉस प्रॉफिट कहां पे आएगा तो दो जुलाई इसके ऊपर वाली लाइन में जाए इससे ऊपर वाली लाइन में ट्रेड ग्रिड जहां लिखा हुआ नीचे 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 और नीचे यस ये 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 इससे ऊपर वाली लाइन ये है ट्रेड हां ठीक है अच्छा देन ये फिल्टर भी है मैं ये चाह रहा था कि फर्ज किया कि मैंने जितने भी शेयर अभी तक खरीदे हैं जब से मैंने ये किया है वो कौन कौन से खरीदे थे और उनपे मुझे क्या प्रॉफिट हुआ उसकी भी हिस्ट्री इस तरह का मैं चाह रहा था अच्छा तो वो हिस्ट्री जो है उस तरह से क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल ट्रेड्स को देखें तो इट कैन बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड उसकी उसकी अकाउंटिंग भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो अक्सर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो ट्रेड बाय ट्रेड आपको नहीं बताते कि कहाँ प्रॉफिट हो रहा है कहाँ नुकसान हो रहा है इंडिविजुअल ट्रेड्स के अंदर वो ओवरऑल आपको बताएंगे ठीक है तो ये ठीक है नीचे जाएं टुडेज अच्छा क्या आपने ऑप्शंस खरीदी हैं आज मैंने आज एक ऐसे वो लुफेंट कॉफी का वो खरीदे हैं बाकी मैंने ऐसे कुछ नहीं किसके खरीदे सेल किए मैंने वो ये एलके एलके खरीदा है हां ये खरीदा है ओ भाईजान लुफेंट कॉफी आज का पूरा लेक्चर किस लिए था कि लुफेंट कॉफी को टच नहीं करना अच्छा नहीं टच नहीं करना वो अब्दुल्ला बैठा था तो अब्दुल्ला कहता बाबा ये ले ले ये बड़े सस्ते हैं आपने जब से खरीदा है कोई उसके उसके अंदर कोई मार्केट चेंज आई है जीरो डॉलर पर खरीदा है कोई चेंज नहीं आया तो इसको आप बेचिए इसको निकले आपसे पता नहीं आप खरीदेगा भी या नहीं हो सकता है पेपर मनी अकाउंट होने की वजह से वो बेचने भी दे लेकिन इसमें अगर आपने पैसा लगा दिया है ये डीलिस्ट हो चुकी है अगर आपका एक्चुअल अकाउंट है तो खरीदने भी नहीं देगा ना खरीदने देगा ना बेचने ठीक है तो अच्छा आपके इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पे अटेंशन टू द मार्केट सिग्नल ठीक है तो आपके पास आज बात हो रही थी सॉरी ऑयल के बारे में तो ऑयल के जो शेयर हम लोग खरीदते हैं वो नहीं खरीद सकते वो फिजिकली उठाने होते हैं कोशिश करूँ की मैं सेल कर दूंगी अगर इसी रेट्स पे हो जाते हैं मार्केट वैल्यू पे क्या चीज हाँ जिन्स कहते हैं ठीक है तो इजनास जिन्स कहते हैं ठीक है तो रॉ मटेरियल है ये बेसिकली सही ठीक है तो आपको उसको एक्चुअली में जाके अगर तो पिक करना है तो फिर तो आप उसका फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं ठीक है लेकिन अगर आप एक्चुअली में नहीं खरीद सकते तो फिर आप बस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे और वही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो बेच देंगे ठीक है शुरू में मैंने कहानी सुनाई थी ना ट्यूलिप की ट्यूलिप वाली कहानी सुनी थी कि नहीं हाँ तो IBM की न्यूज देखे ना आपके पास है लाइव न्यूज वाला टिकर हाँ ये लाइव न्यूज का जो गैजेट है आपके पास लेफ्ट साइड पे अकाउंट इन्फो के नीचे इसमें जो सर्च का बॉक्स है इसमें IBM डालें सॉरी किस तरफ लेफ्ट साइड पे लाइव न्यूज का जो बॉक्स है ऊपर 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 हाँ ये है लाइव हाँ, इसमें इस बॉक्स के अंदर IBM डालें तो ये IBM से रिलेटेड सारी न्यूज जो है उनको फिल्टर कर देगा अच्छा
ठीक है, तो करें इसको क्लिक IBM. ठीक है, तो आज क्या है कि दिस डे इन मार्केट हिस्ट्री IBM रिप्लेसेस, क्या लिखा होता है, डबल क्लिक करें रिप्लेसेस क्राइसलर इन द डाओ, तो क्राइसलर को निकाल दिया. हाँ, तो ये वो दिन है, आज क्या दिन है, June 29th को Chrysler जो है कार कंपनी थी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, ये लोग डाओ पे लिस्टेड थे. तो June 28th को, पता नहीं कौन से साल में, इसको देखे नीचे न्यूज में लिखा हुआ होगा, 1979 में, June 28th, 1979 में IBM क्राइसलर को निकाल दिया था उन्होंने और IBM को डाल दिया था डाउ जोन्स इंडेक्स के अंदर. तो फिर 1979 से अब तक IBM जो है इसी लिस्ट के अंदर मौजूद है. तो मतलब ये अब कोई ऐसी खास न्यूज तो नहीं है, मतलब दिस इज अ हिस्ट्री लेसन, इसकी वजह से तो प्राइस को कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन लेट्स सी, फेड बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वर्थ नियरली 429 मिलियन. हाँ, तो इसको क्लिक करें सेकेंड न्यूज आइटम को. तो हाँ, AT&T Comcast Vivo and plans to buy a total of $750 billion of corporate debt to boost the market's efficiency and investor confidence. Among the buys, कहाँ गया वो, आपने ऊपर दोबारा क्लिक कर दिया, सेकंड न्यूज पे, नहीं सेकंड न्यूज पे, सेकंड न्यूज आइटम. तो बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो खरीदना चाह रहे हैं इनके जितने भी डेट है. तो खरीदने का मतलब ये कि उनको पैसा देके जिनको उन्होंने देना है उनको दिला देंगे, और इन रिटर्न दे विल ओन अ स्टेक इन द कंपनी. तो अब ये सारी चीजें, मतलब इसका एक डिफरेंट डिस्कशन है, हाँ इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन के कि ये क्या कैपिटलिज्म है अभी भी. लेकिन अल्टीमेटली दैट्स द बॉटम लाइन, के उसकी वजह से कुछ इम्पैक्ट आ रहा है. तो ओके, ठीक है. तो आपने अब तक कितने, इसको बंद करें, आपने इस अब तक $1,486 बनाए हैं. जब से आपने अकाउंट शुरू किया तो $1,479 का आपने प्रॉफिट बनाया अब तक. ओके, गुड जॉब. अच्छा जी, और कौन शेयर करेगा? कामरान, नवीन भाई. ओके यार मोहम्मद, गो अहेड. ओके, हाँ ठीक है. एक्चुअली सबसे पहले तो मैंने अभी बोइंग के लिए थे लास्ट फ्राइडे को, जब वो उसकी प्राइस डाउन जा रही थी, तो अभी मैं इसको मॉनिटर कर रहा था. तो अभी मैंने क्या किया कि 184.8 पे हाई आ गई, तो मैंने कहा कि फिर रेड नज़र आए, तो मैंने कहा कि मैं इसको अभी भेज देता हूँ. तो इमीडिएटली ना मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने कहा कि 50 जो है ना शेयर्स मैं सेल आउट करता हूँ और मार्केट प्राइस में. तो आई डोंट नो, अगर जाके मॉनिटर में मैं देखता हूँ तो स्टिल 100 मुझे दिखा रहा है और ये लॉक हो गया है. ये अभी मुझे इधर लॉक नजर आ रहा है कि आई डोंट नो के लॉक को क्लिक करें दोबारा. क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ एक्टिवेट नहीं हो रहा, सो आई डोंट नो. अच्छा, इस पे राइट क्लिक करें सब बार पे और डिलीट कर दें इसको. ठीक है, गो अहेड नाउ, मेक अ न्यू सेल ऑर्डर. So let me try. Okay, sell 50. और अभी मैं वेट करूं थोड़ा अभी क्योंकि बायर हैं. हाँ, लिमिट ऑर्डर लगा दें. लिमिट ऑर्डर कितना, 184 पे लगाना चाह रहे हैं, कितने पे लगाना चाह रहे हैं?
लेट मी ट्राई 184 पे लगाता हूं 184 ठीक है लिमिट ऑर्डर हो गया और ये कंफर्म कर दूं मैं अभी और ये हो गया सेल 50 बोइंग के 180 पे ठीक है और ये मैंने सेंड कर दिया बस ये चला गया आपका वर्किंग ऑर्डर में जाके देखें मॉनिटर पे जी जी वर्किंग ऑर्डर में ये अभी आ गया जी ओके तो जी तो यू हैव एप्पल में काफी नुकसान करके बैठे हैं आप $523 का जी $1,151 आपने बनाया IBM में भी $61 बना चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट में कुछ नुकसान है Nike में कुछ नुकसान है ठीक है तो कीप मॉनिटरिंग कीप बाइंग आपके पास 1,00,000 की लिमिट है तो आपने तो सिर्फ 23,000 इस्तेमाल किया हुआ कितना इस्तेमाल किया हाँ एक्चुअली मैं इस माइक्रोसॉफ्ट को ट्राई किया था एक ऑर्डर मैंने शुरू शुरू में वन शेयर लिया था सिर्फ उसको मैं मॉनिटर कर रहा था उस टाइम पे मतलब ये प्राइस मुझे मिली थी उसके बाद ये कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है तो मैंने एक दो मरतबा लिमिट ऑर्डर लगाने की कोशिश की कि एटलीस्ट मैं 1 यूरो प्लस पे उसको सेल आउट कर लूँ मगर स्टिल आई एम नॉट देयर और फिर नाइकी का मैंने ट्राई किया था इसके मैंने लिए भी हैं बेचे भी हैं तो क्योंकि नाइकी को मैं काफी मॉनिटर कर रहा था तो इसके शेयर 101 पे भी गए हैं और फिर इसके डाउन थे तो मैंने कोशिश की कि मैंने कहा कि इसको मैं ले लूं तो उसके बाद अभी जो है ना उसकी यानी डाउन में ही जा रहे हैं और मोर लेस उसी प्राइस में ही हैं अच्छा तो दूसरा एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो पूछ लें तो फिर एक दो चीजें मुझे पूछनी थी आपसे गो अहेड एक तो जो है अभी जमान ने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे भी उसमें माइंड में था तो पार्शियली तो मुझे आंसर मतलब मिल गया कि हम ट्रेड में जाके देख सकते हैं कि जो भी हमने ट्रेड किया है मतलब जो सेल किया है बाय किया है तो ये कोई ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन हम नहीं देख सकते कि लेट से जब से हमने ट्रेड किया है लेट से मैं बोइंग का देखना चाह रहा हूँ या मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैंने ट्रेड किए सारे जो है ना एक ही ग्राफ में आ जाएं तो किस पे कब मैंने उसको बाय किया फिर कितने प्रॉफिट पे उसको मैंने सेल किया यानी जो भी शेयर्स मैंने लिए लेट से अभी मैं ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा अभी 5 जो है ना मैं कंपनीज में मॉनिटर कर रहा हूँ और उसमें कर रहा हूँ तो ये कोई ग्राफ मुझे नजर आ सकता है कि मैं पूरी हिस्ट्री अपनी देख सकूँ कहाँ पे बाय किया कहाँ पे हाँ ग्राफ तो नहीं है लेकिन और ये भी नहीं है कि आपका प्रॉफिट कोई ट्रेड बाय ट्रेड प्रॉफिट आपको कहीं वो दिखाए वो भी नहीं होता ओवरऑल बस दिखाएगा कि आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स दिखा देगा सारी के टोटल आपने कब क्या कितने में खरीदा कितने में बेचा लेकिन उसकी फिर फर्दर अकाउंटिंग कि वो ट्रेड जो थी प्रॉफिट में थी या नुकसान में थी वो चीजें नहीं दिखाता नीचे आप देखें पोजिशंस में नीचे जाए नीचे जहाँ पोजीशंस लिखा हुआ है बॉटम पे तो इसमें नीचे सबसे नीचे ये पोजीशंस नहीं ये। नहीं इसको ऑप्शन चेन को आप कोलैप्स कर दें ठीक है नीचे ऑप्शंस नहीं ऑप्शंस नहीं ऑप्शन टाइम एंड सेल इसको छोड़ दें ये ऑप्शंस ट्रेडिंग की है नीचे जो पोजीशन लिखा हुआ है बॉटम पे बॉटम ये वाला हाँ इसको करें और इसमें जो बोइंग से पहले एक सेकंड लेट मी ब्रिंग इन अली अली कहाँ पे है ये चीजें हे एवरीबॉडी यस नवीद भाई इफ यू हु इज शेयरिंग द स्क्रीन राइट नाउ ये यार मोहम्मद Yeah, Mohammed, do you see where you have a bid and ask and there is a setting button in your watch list? Watch list mein aap dekh rahe ho jahan pe bid aur ask likhi hui hai. Okay. Left on your left side. Upar left side mein. Left side. Ye aapki jo watch list hai. Left. Ji. The other left. Haan ye left. Right. Niche thoda sa. Haan ye watch. Haan watch side jahan pe bid aur ask likha hua hai. Right there, no, nichla jo column nicho uske jo column headings jo hai column heading upar jahan december last net change bid and ask iske sath ek chhota sa button hai yahan pe click karo customize aur look up a column is pe yahan pe click karo
यहाँ पे लिखो P/L P/L there you go. आप एड कर दो, डबल क्लिक कर दो P/L डे पे, डबल क्लिक कर दो और नीचे एक ईयर का भी लिखा हुआ उसको भी एड कर दो, एक और है ईयर, ईयर का भी, हाँ डबल क्लिक कर दो और ओके कर दो. तो इससे आपका इंडिविजुअली ईच ट्रेड का वो बताएगा कि दिन का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है और ईयरली कितना प्रॉफिट एंड लॉस है. इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो अपनी वॉच लिस्ट को लेफ्ट साइड पे, वॉच लिस्ट हाँ थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हो आप. हाँ ये देर यू गो, देर यू गो, हाँ ठीक है. तो आपको ये एक एक ट्रेड का बता रहे हैं कि किसमें कितने बनाए हैं आपने और कितना लॉस है. इन पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स में वो लॉसेस हैं बेसिकली. थैंक यू वेरी मच. ये जरा दोबारा रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को. स्लीम भाई आपका मैंने ऐड कर दिया था, उसको वॉच लिस्ट में दिखाएगा वैसे तो, लेकिन आप अगर ये वॉच लिस्ट जिसकी भी है वॉच लिस्ट जहाँ पे सिंबल लास्ट नेट चेंज बिड एस्क इसका एक सेटिंग का बटन है एट द एंड, उस सेटिंग के बटन को मोहम्मद दोबारा क्लिक कर दो. नहीं सेटिंग का बटन जो सर, हाँ ठीक है ये वाला दोबारा क्लिक कर दो. कस्टमाइज और इसमें हम PL करेंगे और फिर इधर से आप डे और ईयर हम ऐड करेंगे राइट, वो करके फिर आप ओके को क्लिक करेंगे तो फिर आपका इधर लिस्ट में आ जाएगा. ठीक है दैट्स फाइन. ये चीज जो आप देख रहे हैं ये मॉनिटर के टैब में अगर आप जाएं, मॉनिटर का टैब ऊपर मॉनिटर, हाँ तो यहाँ पे नीचे जहाँ मार्केट चेंज पीएल ओपन पीएल डे लिखा हुआ है तो ये बेसिकली वही चीज है, लेकिन ये के वो पीएल ओपन है वो उसमें पीएल ईयर का भी आ रहा है उसमें भी इसी तरह से कस्टमर जहाँ लिखा हुआ है पोजिशन स्टेटमेंट के नीचे नन पोजिशन जाए माउस ओवर इसके एंड पे चले जाए बिल्कुल लास्ट नीचे नीचे इसके नीचे ये जो गियर साइन जो बना हुआ गियर साइन गियर साइन को क्लिक करें कस्टमाइज ठीक है तो यहाँ पे लुकअप कॉलम उसमें P/L करें वो ईयर आ गया उसको ईयर को डबल क्लिक कर दें और ओके कर दें हाँ वो भी कर लें ओके तो PLYTD क्या है ये एग्जैक्टली ये क्या है बीपी इफेक्ट बाइंग पावर PL डे PL ओपन PLYTD इसमें PL ईयर क्यों नहीं खा रहा ईयर हमने ऐड तो किया है शायद ये डे ईयर है और मे बी इसको मैं यहाँ पे भी PL ईयर दिखाना चाहिए अली यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा PL ईयर दोबारा क्लिक करें इस पे सेटिंग के बटन पे हाँ दिखा रहे हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस ईयर क्लोज करो इसको आपका जो कॉलम है ये PNLYTD ईयर टू डेट हाँ लेकिन YTD और ईयर वाला एक ही चीज है हाँ लेकिन वहां पे उस पे वॉच लिस्ट के अंदर जब किया था तो वो PL ईयरली दिखा रहा था तो हाँ, वो कॉलम की हेडिंग जो है उसमें डिफरेंट है फिर एग्जैक्टली ठीक है बट ओवरऑल इट्स द सेम थिंग अगर आप इसका P/L/YTD कंपेयर करें ईयरली के साथ तो इट शुड बी द सेम हाँ तो लेकिन अभी भी इसमें पर ट्रेड नहीं दिखाता मतलब ये तो पर कंपनी दिखा रहा है ना कि ओवरऑल क्या बना है IBM के या किसी भी बोइंग के आपने कई दफा खरीदे कई दफा बेचे तो इंडिविजुअल ट्रेड जो है उसका तो नहीं नजर आएगा यहाँ पे देयर इज नो ऑप्शन टू शो के इंडिविजुअल ट्रेड्स में आपने कोई प्रॉफिट किया या लॉस किया इंडिविजुअल ट्रेड का क्या आपने एक 100 स्टॉक उठाए किसी के राइट
उस 100 को तो दिखाएगा ना, फिर अगले, हाँ फिर आगे 50 उठाए 50 बेच दिए, यू नो मुख्तलिफ आपने मल्टीपल ट्रांजेक्शन करी, हाँ नहीं उसका नहीं, उसको नहीं दिखाएगा क्योंकि वो उसको एवरेज डाउन और एवरेज अप कर देते हैं ना. राइट राइट. तो यही चीज मैं आपको बता रहा था कि आपको इंडिविजुअल ट्रेड्स जो हैं उसकी इतनी डिटेल नहीं मिलेगी आपको. वो लिस्ट तो मिल जाएगी कि आपने टोटल ट्रेड्स कितनी करी है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है, कितने पे खरीदा था, कितने पे बेचा था, लेकिन अब किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है ये चीज नहीं दिखाएगा. वो आपकी ओवरऑल बाइंग वो जो बाय प्राइस जो है, ये जो थी ना ट्रेड प्राइस, ट्रेड प्राइस का कॉलम नजर आ रहा है ना आपको, इंस्ट्रूमेंट क्वांटिटी डेज एंड ट्रेड, नहीं नहीं हाँ ये ट्रेड प्राइस, ये आपकी एवरेज डाउन होती जाएगी अगर आपने सस्ते सस्ते खरीदे हैं तो. अगर आप महंगे खरीद रहे हैं पहले की निस्बत तो ये फिर बढ़ती जाएगी ट्रेड प्राइस. ट्रेड प्राइस जो ये टोटल एवरेज प्राइस है इस वक्त आपकी, आपने अगर 10 ट्रांजैक्शंस करी है खरीदने की मुख्तलिफ प्राइसेस पे तो उसकी एवरेज ट्रेड प्राइस कितनी बनेगी, एवरेज बाय प्राइस कितनी बनेगी, वो यहाँ ट्रेड प्राइस में आ रही है. सही से, मेरे ख्याल में मैंने ये एप्पल के साथ ऐसे ही किया था कि पहले मैंने 5 शेयर खरीदे थे, फिर मैंने 100 शेयर खरीद लिए बाद में, तो फिर मतलब ये कि फिर उसका वो एवरेज ही मुझे दिखा रहा था. राइट राइट. तो मैं ये भी मतलब सोच रहा था कि लेट्स से 5 शेयर जो मैंने खरीदे हैं तो मैं चाह रहा था कि ठीक है मैं तो भूल गया मैं भी, तो मैं एटलीस्ट जानना चाहता था कि 5 शेयर मैंने कितने के खरीदे थे और 100 कितने के खरीदे, तो ये सेपरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती, एवरेज ही हो गई वो. नहीं नहीं नहीं, उसकी मिलेगी आपको, हिस्ट्री मिल जाएगी, हिस्ट्री मिल जाएगी आपको. ठीक है, वो हम ट्रेड में जाके देख लेंगे कि उस डेट को हमने एप्पल के लिए एप्पल का लिया था, 5 शेयर लिए थे, वो कितने के लिए थे, यानी ट्रेड में जाके हम देख सकेंगे. अली उसकी हिस्ट्री कहाँ है? हाँ, ऑर्डर हिस्ट्री. आप एक काम करो, आप चार्ट पे जाओ, जिस चार्ट कोई जो चार्ट पे जाओ और यहाँ पे आप देखोगे एक स्टड जहाँ पे लिखा हुआ है आपका टिकर लिखा हुआ है BA, राइट? हाँ. इसी लाइन के साथ साथ जाते रहो जहाँ पे सेटिंग का बटन है, दोबारा क्लिक करो उसको. नहीं, ऑन द लेफ्ट साइड, दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में, इसी लाइन में. हाँ, थोड़ा नीचे. हाँ, जाते रहो और ये वाला बटन सेटिंग का यहाँ पे लिखा हुआ है. नीचे आ जाओ, थोड़ा सा माउस नीचे लेके आओ, जहाँ पे लिखा हुआ है शो ट्रेड्स, राइट देयर चेक बॉक्स है, थोड़ा सा ऊपर राइट साइड, गो टू द राइट, ये इसमें लास्ट ऑप्शन शो ट्रेड, अप्लाई कर दो. ओके, तो वो यही चार्ट के ऊपर ही दिखा देगा आपको सारी ट्रेड्स आपकी जो थी. ये देखें 50 का आपने लिमिट का ऑर्डर लगाया हुआ है, राइट? इसको आप चार्ट को थोड़ा बढ़ाएं, ये इस वक्त अभी आप कितना 3 मिनट के चार्ट ज़ूम इन ज़ूम आउट करोगे ना चार्ट को, तो फिर आपको दिखाएगा कहाँ कहाँ आपने खरीदा. वो बबल बना हुआ, 100 खरीदे था. और अगर इस बबल को क्लिक करो जरा, यहीं पे क्लिक करो, नहीं इसको नहीं, वो जो ग्रीन वाला है, बाजू का, इसमें डिटेल भी दे देता है अगर आपका वो 100 जोन से है, उसने मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से बाय किया हुआ. नेम प्राइस लेवल 1 एंड डॉलर में देखा 169 समथिंग. हाँ, आप इस जो आपका माउस है ना, इसको पेंसिल की बजाय वो माउस लेके आओ नीचे, जो है आपका हाँ चेंज कर लो इसको, ये राइट क्लिक करके भी हमें ये ऑप्शंस नहीं नहीं नहीं, आपके जो ड्राइंग टूल्स, हाँ ड्राइंग एंड टूल्स में है, नीचे हाँ यहाँ से भी कर सकते हो आप, माउस लेके आओ, अभी तो आपने वो रखा हुआ ना डॉलर पॉइंटर, ड्राइंग टूल्स, हाँ माउस का बटन है ये वाला, लेके आओ, अभी इस पे क्लिक करो. हाँ. नहीं क्लिक करो, क्लिक किया, इट इज गिविंग अ डिटेल. यस यस, या तो वो डेट भी आ गई और कितने हमने खरीदे थे और कितने बाइंग, टाइम भी, एग्जैक्टली टाइम भी बता रहे हैं कि किस टाइम पे खरीदे थे, और बाजू का इसका ब्रेक डाउन हो जाता है इन 100 का भी, दे बाय इट इन नॉट इन चंक्स, आई मीन दे बाय इट इन चंक्स, लाइक 10 कहीं से किसी एक्सचेंज से आ गए, 15 किसी और एक्सचेंज से, बेसिकली दे विल फिल आउट योर ऑर्डर बेस्ड ऑन वेयर एवर द स्टॉक्स आर अवेलेबल. ओके,
क्योंकि 100 की मैंने 172 लगाई थी, तो मैंने कहा कि 172 पे जब जाए तो मैं 100 को बाय कर लूं, तो फिर वही मुझे 171.94 को मिला था। तो ये भी मैं सोच रहा था कि मैंने 172 का ऑर्डर लगाया है मगर और मुझे 6 सेंट सस्ता मिल गया है। हाँ, उसका वजह ये है कि आपने मार्केट ऑर्डर लगाया। मार्केट ऑर्डर में दे गेट यू, दे फिल योर ऑर्डर बेस्ड ऑन व्हाट्स बेस्ट प्राइस अवेलेबल। बाजुकात प्राइस 172 का लगाया हुआ, मार्केट ऑर्डर किया तो 172.15 उस पे भी फिल कर देगा और बाजुकात वो 10 सेंट नीचे भी कर देगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कौन कितने शेयर्स अवेलेंगे किस टाइम पे। और ये माउस सेम में क्लिक करना चाह रहा हूँ इस पे जो मेरे सेल की। हाँ, ये आपका सेल ऑर्डर है, ये इस पे नहीं करेगा क्योंकि आपने अभी सेल ऑर्डर लगाया, ये फुलफिल नहीं हुआ। ओके, मगर वो डिटेल ऊपर पे डिटेल दे रहा है। हाँ, जब आप क्लिक करेंगे तो दे देगा आपको। ओके कामरान जी, अस्सलाम वालेकुम। Kamran, are you sharing your screen? Yes, just a minute. लगता बहुत दूर से शेयर कर दिया। हेलो जी, 11 बज गया, मुझे काम पे जाना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। तो व्हाई डोंट यू गो अहेड शेयर इट बिफोर यू लीव। अभी मैं लेट हो रहा हूं, मैं आज आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए 11 o'clock आई सपोज टू बी देयर बाय नाउ। ठीक है, थैंक्स थैंक्स, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ओके, फाइनली दिस इज शेयर। ओके, कामरान हैज मेड $2,000 सो फार। एप्पल ही बस ट्रेड कर रहे हैं आप लगता है? ऐसा है नवीद भाई, एप्पल मैंने फ्राइडे वाले दिन खरीदा था, तो क्योंकि मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है वो थर्सडे को ब्लॉक हो गया, आई डोंट नो कि क्या वजह बनी। उसमें भी अप्रोक्सीमेटली मैंने कोई $2,000 के करीब अर्न किया हुआ था एप्पल से, में माइक्रोसॉफ्ट में और पीए में। तो अभी मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट हुआ, जैसे ही सॉफ्ट मार्केट ये को मैंने सेल आउट किया है, और जस्ट एप्पल को जब मैंने सेल आउट करने लगा हूँ तो मैंने इस वक्त उसकी वैल्यू लगाई थी 357 सॉरी बीए की, तो वो सेल आउट हुआ 357.74 पे। ओके, तो हालांकि मैंने लिमिट लगाई थी 357 और वो सेल आउट हुआ 357.74। हाँ, तो वो जो भी बेस्ट प्राइस मिलती है ना, तो अगर आपकी सेट की प्राइस से बेहतर प्राइस मिल रही हो तो उस पे बिक जाएगा। Right. तो ओवरऑल जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट था उसमें मैंने एक चीज की थी, मे बी शायद उस वजह से ना हुआ हो कि वो ब्लॉक हो गया, स्टिल वो ओपन नहीं हो रहा ना डेस्कटॉप के ऊपर ना ही इसके ऊपर। उसमें जब मैं सपोज करें एप्पल ही परचेज किया था, तो उसमें जब लिमिट प्राइस लगाई थी डे की क्या नाम है जीटीसी सॉरी एक्सटेंशन की लगाई थी, यानी कि एक्सटेंडेड टाइम की 24 के लिए। उस प्रोसीजर को तो कोई उस वजह से तो नहीं हुआ कि वो अकाउंट जो है ब्लॉक किया गया हो या कोई और वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, गुड जॉब, कीप ट्रेडिंग, we'll see how it goes. Okay, next up,
Any volunteers? Thank you. Thank you. So, hey, Bob. Suhaib. I'm just opening the sync or swim app on. Okay. Oh, you're still opening it up? चलो ठीक है जी, go ahead. Next time जब class शुरू होती है ना तो साथ खोल के रखा करें. वो वो खुला हुआ है, but वो मैंने को laptop पे खोला हुआ है, तो मैं उसे इस वाले पे खोल रहा हूँ. I can share my screen now. Okay. Okay, it's not letting me share my screen right now. Okay. Sarish, go ahead while Sohib figures this out. I think this is my screen. Okay, yeah, this is your screen. Okay, go ahead. Okay. So tell me what's going on. Well, I'm as of right now, I'm in around $1,283 worth of loss. Okay. Okay. What happened? कहाँ से loss आ रहे? My uslehasis with my main loss is in Lyft. Hmm. I have 600 shares of Lyft and I'm losing around $1,260 over there. Okay. Other than this, my major losses are in Boeing 187 ka kharida hua aapne, okay. Yep. Boeing and then I have Oxy. ठीक है, तो कब खरीदा था बोइंग? कब खरीदा था? 187 का खरीदा है, तो दिस मस्ट बी अर्ली लास्ट वीक, मंडे ट्यूसडे को, राइट? या दिस वाज अ वाइल बैक. तो फिर आपने क्यों नहीं खरीदा जब 169 पे गया हुआ था? तो वो राइट, आपको खरीदना चाहिए था ना उस वक्त. mm-hmm. आप जाएं चार्ट्स के ऊपर, जाएं क्लिक ऑन चार्ट्स, बोइंग का पुल करें. गियर साइन, हाँ या इससे पहले, ठीक है, इससे पहले गियर साइन है, गियर साइन इससे पहले, सॉरी नहीं 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 गियर साइन, ये जो सेटिंग्स का, बट हाँ इसको खुल गया. आई कैन नॉट सी दैट बॉक्स. अच्छा, तो यू मस्ट हैव शेयर्ड जस्ट दिस स्क्रीन. तो यहाँ पे शो ट्रेड्स का एक चेक बॉक्स होगा, उसे चेक करके ओके कर दो. शो ट्रेड्स सेकंड कॉलम में है कहीं. आई कैन नॉट सी योर सेकंड स्क्रीन दो. तो सेकंड कॉलम जो है यहाँ पे ऑप्शंस में, उसमें एक है शो ट्रेड्स, उस चेक बॉक्स को चेक कर दो और देन ओके. व्हाट इज दैट गोना बी इन द प्राइस टैक्सेस? नो, आई कांट सी दिस पार्ट ऑफ योर स्क्रीन. Why don't you share again and this time share screen instead of sharing thinkorswim. Okay. Ah, yahan pe ye show trades likha hua hai on the right hand side and down third last option. Yeah. Show trades and okay. 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 So share your screen again. Share your full screen. Huh? ठीक है, okay. तो वो देखें, आपने खरीदा था. Look at that. वो 100. You bought 100 at 187 on June 22nd.
ठीक है, द प्राइस वेंट डाउन कॉन्स्टेंटली, इट केप्ट ऑन गोइंग. आगे जाइए, जैसे फ्राइडे का जो था लास्ट वर्किंग डे, जो था लास्ट वर्किंग डे, देखें लो प्राइस 167 की दिखा रहा है ना, राइट. अगर आपने यहाँ पे अगर 100 भी सिर्फ और खरीदे होते तो आपकी एवरेज प्राइस जो थी 187 और 167 के बीच में कहीं आ जाती, ठीक है, जैसे 177 probably lower, क्योंकि हाँ, तो अगर 177 की आपकी एवरेज बन रही होती तो इस वक्त यू वुड हैव बीन इन अ बिग टाइम प्रॉफिट, क्योंकि आप, क्योंकि इस वक्त करंट शेयर प्राइस जो है वो 183 पे चल रही है, राइट. तो यू वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इफ यू हैड bought more when the price was really down. Samajh rahe hain Swip? Yep. So not paying attention or miss kar dena koi din ya koi trade ka time, wahan uski wajah se aapko loss aa raha hai. Okay, go back to monitor again. Lift jo hai, lift ki humne us waqt bhi baat kari thi last week bhi, right? Why are you holding 600 shares of Lyft? ठीक है, छोटी मोटी investment हो तो ठीक है, लेकिन why 600 shares? इसके लिए थी कि I was waiting for good news and अभी coronavirus cases in super चल रहे हैं and I'm just hoping कि इनका जैसे stock अभी ऊपर जाए कि मैं इधर से नहीं नहीं जब coronavirus के ऊपर जाते हैं तो इसकी तो कम होगी कीमत, right? कौन इस्तेमाल करेगा Lyft? Yep. अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं तो लिफ्ट कौन इस्तेमाल करेगा, राइट? द फ्यूअर पीपल विल यूज इट. तो अगर फ्यूअर पीपल आर यूजिंग इट, द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड एंड दैट इंपैक्ट विल शो ऑन द ट्रेड प्राइस. तो आई थिंक अगर इसमें कहीं पे आपको कोई गुंजाइश बनती है तो बेशक, इफ यू वांट टू कीप लिफ्ट, कीप मे बी 100-200 स्टॉक्स. लेकिन 600 स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू शो यू अ ह्यूज इंपैक्ट, ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट. तो इसमें भी देख सकते हो कि अगर कहीं पे कोई गुंजाइश बनती है मजीद खरीदने की टू लोअर द ट्रेड, लोअर द एवरेज प्राइस, तो उसको करके फिर लेकिन साथ ही उसको बेच भी दो, जैसे ही प्राइस कुछ इंप्रूव होती है तो ठीक है. ओके, आई डोंट सी टेस्ला, आई डोंट सी निकोला, I don't see any electric vehicles. I don't see much of technology stock either. Yeah, I mean, abhi tak unke andar nahi focus kiya. I've just been focusing on Dow Jones and mainly the normal companies. Maine bhi actually investing nahi ki pichle koi hafte se, zyada us tarike se nahi ki. Ha, to uske liye yaad rakho ke agar trading nahi kar rahe ho to kuch bhi nahi banaoge. Yeah. Right? So you have to continuously trade and you have to keep an eye on the news, right? So agar aap Boeing ko follow kar rahe hote to you would have definitely bought more, I'm sure. Theek hai, okay, I trust your basic business skills. If you had seen ke 167 pe pahunch gaya to you would have bought more. So to spend a couple of hours every day on this swap. So this advice goes for everybody. ठीक है, आप सब लोग अगर कम से कम 2-3 घंटे इसके ऊपर रोजाना लगाएंगे तो आपको समझ आना शुरू होगी, वरना सिर्फ ये कि 5 मिनट एक हफ्ते के अंदर दिखाने, स्क्रीन शो करते हुए करने के लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा. तो यू नीड टू कंटिन्यू ट्रेडिंग. ओके ओके, हु इज अप नेक्स्ट? नवीद भाई, आई कैन शेयर. या गो अहेड. Okay, let's move a little faster. We should finish this in the next 5 minutes, inshallah. Okay. Okay. Sure, Navid. Good. Navid, I think I've got an issue. That I see, मुझे जब short करने का trend आता है ना, I don't know why मेरा दिमाग तब ज़्यादा काम कर रहा था compared to buying. What can I do? You want to short. That's your hunt. Which is a strange thing. जब भी मैंने शॉर्ट किया मैंने पैसे बनाए और जब मैंने बाय किया मैंने पैसे लूज किए. प्लीज टेल मी, वो शॉर्टिंग में आप पैसा इसलिए बना रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट इज गोइंग डाउनवर्ड राइट नाउ. तो जब मार्केट ऊपर जाने लगेगी ना, जब
आपको दो चार धक्के लगेंगे ना कि शॉर्टिंग की वजह से नुकसान कितना हो सकता है, तो देन यू विल अंडरस्टैंड के कि दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी. तो लेट मी शो यू दिस. पता नहीं ये किस तरह ऊपर जाता है. क्या चीज? नवीद भाई, आई हैव गॉट दिस बार ऑफ दिस थिंग, ये जो जहां से शेयर करो ना मैं. It's okay. I'll move to the chart that. Okay. Second. Right. Here you go. I'm Naveed bhai. I know Ali is there as well. So Ali, I think both of you. ये देखें, अभी हम लोग बीए की बात करते हैं. सुबह आपने बताया कि बीए एकदम से बहुत ऊपर गया. भाई मैंने पहले से, मुझे लिमिट इसकी लास्ट वाली जो थी वो पता थी कि आई थिंक पर्सनली मेरा हंश ये था कि इट्स नॉट गोना गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट. वो थी 184.91 जो इसने पहले वन ईयर के चार्ट पे और जो 15 डे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 180 डे के चार्ट पे भी. ये इसकी एक यहाँ पर मेजर कहाँ पे गया, सॉरी भाई मेरे ख्याल से वो चार्ट में भूल गया हूँ. वहां पे मैंने ये लगाई थी 184 को जो आपका डे हाई है ना उसको भी ट्राई करेगा दोबारा. ओके, एंड व्हाट आई डिड, आई सोल्ड इट एट हाई, सॉरी बॉट इट, हाँ सोल्ड इट एट हाई एंड बॉट इट एट, और मुझे पता था इस लिमिट को ट्राई करेगा लास्ट में 181 को. Okay. और जैसे 181 को ट्राई करता गया मैं से बाय करता गया, एंड विद इन लास्ट 30 odd minutes ये बने. लेकिन भाई मैं करना नहीं चाहता. आई डोंट नो व्हाई, मैं किस तरह अपने आप को रोक सकता हूँ शॉर्टिंग से कि मुझे ट्रेंड नजर आए, मुझे बाइंग के ट्रेंड नजर आए. अली कोई हिंट है तुम्हारे पास? मतलब वैसे तो अगर आप देखें तो मतलब शॉर्टिंग इज अ वे ऑफ मेकिंग मनी, इट्स जस्ट दैट द रिस्क इज टू मच कंपेयर्ड टू बाइंग ऑफ अ शेयर एंड सेलिंग ऑफ अ शेयर एट अ हायर प्राइस. क्योंकि इट फॉलोज द सिंपलेस्ट पॉसिबल मेंटल मॉडल, ठीक है, जो बिजनेस का होता है कि यू बाय लो एंड यू सेल हाई. एब्सोल्युटली, आप उसको किसी भी तरह से, ये डेरिवेटिव ट्रेड्स होती हैं, जैसे शॉर्टिंग वाली भी डेरिवेटिव ट्रेड टाइप बन जाती है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स फ्लिप and you are going against the market. You know, so log paise banate hain uske andar, lekin ye ki jab wo fir short squeeze aata hai to usme they lose a lot of money as well. So I would rather stay with simple trades that make sense and that are not derivatives and complicated trades. Theek hai, so especially at this time, you know, especially at the learning stage. Sure, भाई मैं आपको बस बाकी मॉनिटर दिखा देता हूँ. So the trade and comment if there is anything I can do differently. ये overall trades हैं भाई, इतनी शायद trades नहीं हुई. I've got an open position at BPT, लेकिन मैं इसको swing trade की तरह से कर रहा हूँ. I personally believe के मैं आपको ये बल्कि stock दिखा रहा हूँ. What is BPT? It's a petroleum भाई. मैं अभी बताता हूँ. ये बीपी, ये पेट्रोलियम वगैरह डील करते हैं. अच्छा, अगर मैं जी इनका ईयरली चार्ट दिखाऊं भाई आपको, तो बेसिकली रिफाइनरी एंड ऑल दैट, इनका हाई रहा है 16.58 और व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज देयर पॉसिबल लोएस्ट. आपको मैं 3 डे 3 मिनट्स का चार्ट भी दिखाता हूँ. जैसे जैसे ये अपने लोएस्ट पे आता रहा, मैं इसको कोशिश करता रहा कि बाय करता रहा. अभी भी मेरे लिमिट ऑर्डर्स लगे हैं इसके ऊपर, बट इतने अवेलेबल स्टॉक्स नहीं थे कि वो मेरे ख्याल से परचेज हो सके. अच्छा, तो लेकिन ये लोएस्ट लिमिट को जो मेरी थी वो हिट कर गया था 318. नीचे आप देखें वॉल्यूम जो है इसका, वॉल्यूम बहुत हॉरिबल किस्म का है. किसी वॉल्यूम वाले बार को क्लिक करें, उस पे माउस ओवर करें. जी भाई, ठीक है. तो यहाँ पे देखें, यहाँ 36,000 का टोटल वॉल्यूम था, 5,000 का वॉल्यूम, राइट. तो दिस टाइप ऑफ वॉल्यूम इज वेरी डेंजरस, के यू कैन गेट स्टक, क्या आप खरीद के बैठे हैं, अब आप बेचना चाह रहे हैं, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है. तो यू स्टिक विद कंपनीज दैट हैव
ہیوج والیوم. اگر مثلا آپ خالی بی پی پہ جائیں, اگر برٹش پیٹرولیم پہ, this one way, ha india sponsored, right? to iska agar aap volume dekhen to mouse over this on any way. Of the bars to ye dekhen matlab 5 lakh ka volume hai, 88000 ka volume hai, right? to millions of shares are being traded every day. true. to I would stick with, you know, companies that have higher volume. right. لوور والیوم میں بہت مصیبت ہو جاتی ہے, یو نو, یو وانٹ ٹو سیل, نو بڈی وانٹس ٹو بائی. اوکے ٹھیک ہے بھائی, میں کچھ اپنی پوزیشن سے آؤٹ کرتا ہوں اور صحیح, آئی ول موو انٹو دی ادر وانز انشاءاللہ. تھینک یو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اوکے سریش, یو وانٹ ٹو موو آن؟ Yahya, we are coming next to you, and then Dr. Sanghi. Okay. Okay, what's going on with you, Serge? بس جب پرائسز بہت ہائی تھیں تب بہت زیادہ پرچیزنگ کر لی تھی اور ابھی سٹک ہوا ہوا ہے سارا. ہاں تو کیا کرنا چاہیے؟ اب ویٹ کر رہی ہوں کہ کچھ تو ایٹ لیسٹ وہی پرائس ملے, تو ابھی لمٹ پہ لگایا ہوا ہے. تو یو کین آلسو, آپ کے بھی کتنی بائنگ پاور جو 11000 تو بھی رہتے ہیں آپ کے پاس. جی, یوز کرنے کو وہ ہمت نہیں ہو رہی. اچھا, تو ایپل جو ہے, ایپل کی آپ کی ٹریڈ پرائس 364, اب اس وقت 358 پہ چل رہا ہے. تو اوکے, مطلب ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ مزید خرید لیں تو اس کی ایوریج پرائس جو ہے کم ہو جائے گی. اور لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ دین فائنڈ دا لوئسٹ پوائنٹ, جب 358 سے بھی نیچے جائے مارکیٹ پرائس تو اس وقت خریدیں تاکہ اس کی ایوریج جو ہے وہ کچھ ہو. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے. تو ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس پرائز, اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پرائز جو ہے اس کی مزید موو کر رہی ہے نیچے کی طرف, تو ابھی 50 شیئر 100 شیئر بیچ دیں تو آپ کی بائنگ کیپیسٹی بڑھ جائے گی. آپ نے بے شک وہ لاس پہ بیچے ہیں, لیکن جب اس کی پرائز نیچے آئے گی تو یو کین بائی مور. پھر تھوڑا سا لیٹس سے آپ نے اس میں 364 کا بیچ, 357 کا بیچا اور پھر 355 پہ وہی 100 شیئر دوبارہ خرید لیا, تو آپ کی ایک تو ایوریج پرائس جو ہے وہ کم آ رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو $2-3 کا پروفٹ بیچ میں بن رہا ہے پر شیئر وہ بھی موجود ہے بغیر کسی مزید کیپٹل کو انویسٹ کیے. جو انویسٹ ہوا ہوا ہے آلریڈی بس اسی کو آپ دیکھیں, $62,000 کے آپ نے ایپل خریدے ہوئے ہیں. صحیح. اچھا, اس ایکسپیرینس کے بعد میں یہ کوسچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہمیں چھوٹی کمپنیز لائک جیسے $1-$10 کے اندر والی جن کے پر شیئر ہو, ان کمپنیز پہ زیادہ ابھی ورکنگ کرنی چاہیے, یا ابھی تو ہم رفلی فرسٹ ویک میں جو کیا ہے جن کے نام پتا تھے بس وہی کمپنیز میں ٹریڈنگ شروع کر دی, تو ورکنگ ابھی ریسرچ کن کمپنیز پہ کریں, یہ آپ کیا سجیسٹ کریں؟ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اسٹاک کی پرائس کتنی ہے, واٹ میٹرز از کہ آپ نے کتنا ڈالا ہوا ہے اس کمپنی کے اندر. تو کبھی بھی کسی ایک کمپنی میں بہت زیادہ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ بہت کامن مسٹیک ہے, ہر کوئی کرتا ہے, میں خود بھی یہ مسٹیکس کر چکا ہوں کہ کسی ایک کمپنی میں بہت زیادہ ڈال دیا. تو اس کی وجہ سے بہت پرابلم ہوتے ہیں پھر بعد میں. تو ہمیشہ اسپریڈ آؤٹ کر کے کہ پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈائیورس ہونا چاہیے, مختلف کمپنیاں, مختلف پرائس پوائنٹس, مختلف ٹریڈ پرائسز, کچھ کم ویلیو والے اسٹاکس جو ہیں وہ بھی ہونے چاہیے, کچھ ہائر ویلیو والے بھی ہونے چاہیے, یو نو ڈفرنٹ ٹائپس. تو
ایک وقت میں ایکٹیو ٹریڈنگ جو ہے وہ کم از کم سات آٹھ شیئر سات آٹھ کمپنیز کی تو ہو سکتی ہے. یو کین ٹریک سیون ایٹ کمپنیز سیون ٹو ایٹ کمپنیز. تو تھوڑا سا اس کو ڈائیورس کرو اور جو انویسٹڈ ہے پیسہ اسی کو ذرا ری انویسٹ کرنے کی کوشش کرو کہ جب ہائر پرائس ہو نکال لو تھوڑا سا, پھر جب سستی ہو تو تب خرید دو. یعنی مثلاً 164 پہ جب آپ نے خریدا ہے تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کی سپورٹ پرائس دیکھ رہی ہوں گی اس وقت 364. ایکچولی اس جس دن میں نے بائی کیا ہے اس سے ایک دن پہلے 372 تک گیا تھا. رائٹ, تو اس کا سپورٹ لیول تھا نا, اب وہ اس کی سیلنگ بن گیا, اب اس کی ریزسٹنس بن گیا. اب وہ ریزسٹنس جو ہے سپورٹ لیول جو ہے وہ چینج ہو گیا. سپورٹ لیول چینج ہونے کی وجہ سے دین یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ سپورٹ اور ریزسٹنس اب کہاں بن رہی ہے. جس جہاں پہ وہ سپورٹ اور ریزسٹنس بن رہی ہے ریزسٹنس پہ بیچ دو اور اس پہ خرید لو اس کی سپورٹ پہ. بالکل صحیح. اوکے, تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. یا یا ڈاکٹر سانگی. اوکے, اور کون رہتا ہے باقی؟ تو سب لوگ ہو گئے ہیں. اوکے, ویل تھینک یو ویری مچ ایوری ون. کیپ ٹریڈنگ ان شاء اللہ. لیٹس میٹ اپ آن وینسڈے. اوکے, تھینک یو. السلام علیکم. حافظ.